मैं ट्रॉय आयरन एक मिश्र धातु है, कभी कभी क्या पूछ लिया जाता है कि उल्काशम क्या है, तो उल्काशम आप जानेंगे कि लोहा का एक क्या है मिश्र धातु है, क्या है लोहे की एक मिश्र धातु है जिसमें निकिल जो होती है वो 3-8% इसमें निकिल क्या होती पाई जाती है। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि जो उल्काशम मित्र धातु होती है, जो उल्काशम मिश्र धातु होती है, जो उल्काशम आपकी एक मिश्र धातु होती है उसमें निकिल कितने प्रतिशत होता है, उसमें निकिल कितने प्रतिशत पाया जाता है, तो प्यारे बच्चों आपके दिमाग में फीड कर लीजिएगा कि वहां पर जो निकिल होता है वो 3-8% उसमें क्या होता है निकिल होता है। ओके, यहां तक की कोई समस्या? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। प्यारे बच्चों यहां से आपका एक प्रश्न जरूर बनेगा, श्योर बनेगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा, यहां से एक प्रश्न बनेगा ही बनेगा। देखिए लोहे जो होता है, मैंने बताया कि लोहा एक एक्टिव मेटल होती है, सक्रिय मेटल होती है, सक्रिय मेटल होने के कारण ये कंबाइंड स्टेट में पाई जाती है। तो लोहे के कुछ अयस्क हैं, कुछ ओर्स हैं, इंपॉर्टेंट ओर्स। प्यारे बच्चों पहला ओर्स जो हमारा देखिएगा हेमेटाइट, यहां पर लिखा हेमेटाइट, और हेमेटाइट का जो फार्मूला प्यारे बच्चों होता है, हेमेटाइट का फार्मूला क्या होता है आपके सामने लिखा हुआ है Fe2O3। हेमेटाइट का जो फार्मूला होता है वो Fe2O3 होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि लिमोनाइट का फार्मूला क्या होता है, तो प्यारे बच्चों आपको एक देखिएगा इसमें कुछ ट्रिक चलेगी, कुछ आप ट्रिक लगाइएगा, क्योंकि आप हो सकता है कि आपको लर्न करने में प्रॉब्लम हो रही हो, आपको ट्रिक लगाना है कि देखिए यहां पर जो है हेमेटाइट, ये आपका क्या है हेमेटाइट है, और ये आपका क्या है लिमोनाइट। तो यहां पर हेमेटाइट और लिमोनाइट में आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर Fe2O3.3H2 है, मतलब जो हमारा हेमेटाइट का फार्मूला होता है, हेमेटाइट का फार्मूला Fe2O3 होता है। लेकिन अगर उसी में 3 वाटर मॉलिक्यूल्स को जोड़ दिया जाए, अगर उसमें 3 वाटर मॉलिक्यूल्स जुड़ जाए तो वो किसमें बदल जाता है लिमोनाइट में बदल जाता है, किसमें बदल जाता है लिमोनाइट में बदल जाता है। इसी तरीके से प्यारे बच्चों जो हमारा मैग्नेटाइट होता है, मैग्नेटाइट में क्या होता है Fe3O4 होता है। अब आप देखिएगा, आपको थोड़ा सा देखिए, यहां पर आपका हेमेटाइट Fe2O3 है, लिमोनाइट आपका Fe2O3.3H2O है, मैग्नेटाइट आपका Fe3O4 है। इसके बाद एक ये बात पूछ लिया, इनमें से पूछा जाता है, चाहे हेमेटाइट पूछा जाए, चाहे आपका लिमोनाइट पूछा जाए, चाहे आपका मैग्नेटाइट पूछा जाए, चाहे सिड्रेट या इस्पैतिकारण या सिड्रेट का फार्मूला क्या होता है, तो सिड्रेट या इस्पैतिकारण का फार्मूला जो होता है वो आपका क्या होता है FeCO3 होता है। क्या होता है FeCO3 होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, ये आपका आना ही आना है, इसलिए एक बार इनको आप जरूर लर्न कर लीजिएगा। अब प्यारे बच्चों हम लोग देते हैं कि आप देखिए यहां से हो सकता है आपके केमिस्ट्री में प्रश्न ना बने, आपका केमिस्ट्री में इससे प्रश्न ना बने, लेकिन इस पॉइंट से आपका जीके में प्रश्न बन जाता है, जो आपकी जीके आती है जनरल साइंस GS, उसमें आपका प्रश्न बन जाता है। आपसे पूछ लिया जाता है कि जो लोहा इस्पात है ये कहां पर, इसके कारखाने कहां पर है। तो लोहा इस्पात के प्यारे बच्चों अगर आपसे कारखाने पूछे जाए कि लोहा इस्पात हमारा मोस्टली इसके कारखाने कहां, ये कहां पर मिलता है, कहां पर इसकी प्रचुर मात्रा में भंडारण है, तो प्यारे बच्चों इनके कारखाने जो होते हैं वो आपके क्या है सोर, जो बात पूछा जाता है जमशेदपुर आश्रम आपको मिलेगा, एक आपको भिलाई मिलता है, एक भिलाई मिल जाता है, एक राउरकोला मिलता है, और एक आपका दुर्गापुर मिलता है। तो प्यारे बच्चों स्टील के लिए तो दुर्गापुर मस्ट फेमस है। आप देखिए यहां पर आपसे ये पूछा जाएगा कि इनमें से इस्पात, लोहा इस्पात के कारखाने होते हैं, अब उसमें से एक ऑप्शन इसमें से दिया होगा, या तो जमशेदपुर दिया होगा, या राउरकेला दिया होगा, या भिलाई दिया होगा, तो इनको आप जरूर याद करिए। जो GS में आपका ये प्रश्न 100% बनता है, क्योंकि ये प्रश्न इसलिए बनता है क्योंकि ये आपका GS जो धातुएं हैं, धातुओं से एक प्रश्न जरूर पूछ लिया जाता है, कोई भी एग्जाम हो मोस्टली ये पूछा जाता है कि जैसे मिर्जापुर जो है कुछ धातुओं के लिए फेमस है, तो प्यारे बच्चों सभी लोग मिर्जापुर में कौन सी धातुएं पाई जाती हैं, वहां पर कौन सी धातु मिलती है, उसके लिए कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्लियर हुआ? तो हमने आपको बताया कि आयरन के क्या क्या ओर्स होते हैं। सबसे पहले आपका हेमेटाइट ओर्स है, हेमेटाइट का फार्मूला क्या होता है Fe2O3 होता है। दूसरा मैंने आपको लिमोनाइट बताया, इसका फार्मूला Fe2O3.3H2 होता है। इसके बाद मैंने मैग्नेटाइट बताया, मैग्नेटाइट का फार्मूला प्यारे बच्चों क्या होता है, तो मैग्नेटाइट का फार्मूला आपका क्या होता है Fe3O4 होता है। इसके बाद मैंने प्यारे बच्चों सिडेराइट बताया, या इसी को मैंने बताया कि स्पैतिक आयरन कहते हैं, स्पैतिक आयरन का फार्मूला क्या होता है FeCO3 होता है। तो इन अयस्कों के नाम जरूर पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आप लोग इनको अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। ओके, यहां तक एनी प्रॉब्लम, कोई डाउट, कोई संदेह प्यारे बच्चों जरूर बताइएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब देखिए यहां से भी प्रश्न बनता है, यहां से भी प्रश्न बनने की उम्मीद होती है प्यारे बच्चों। देखिए लोहा जो होता है, लोहे के व्यापारिक मुख्यतः 3 प्रकार का लोहा होता है,
आपको अभी बता दे, एक आप नरवा लोहे के बारे में चर्चा करते हैं, एक आप पटवा लोहे के बारे में चर्चा करते हैं, और एक आप इस्पात के बारे में चर्चा करते हैं। तो ढलवा और पिटवा लोहा। अब प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग ढलवा लोहा के बारे में जानते हैं कि ढलवा लोहा क्या होता है। ढलवा लोहे के बारे में जरूर पूछा, ढलवा या पिटवा लोहे के बारे में मैंने बताया कि इस टॉपिक से प्रश्न बनना ही बनना है, श्योर है, सर्टन, बिल्कुल निश्चित है कि इसे बनना ही बनेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, इसमें कार्बन की मात्रा जो हमारा पिटवा लोहा होता है, सॉरी जो ढलवा लोहा होता है, उस ढलवे लोहे में 2 से 4.5% मतलब जो हमारा ढलवा लोहा होता है उसमें 2 से 4.5% तक क्या होता है, उसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है। जो हमारा ढलवा लोहा होता है इसमें पूछ लिया जाता है कि ढलवे लोहे में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, तो ढलवे लोहे में जो कार्बन की प्रतिशत मात्रा होती है वो 2 से कितनी होती है, 4.5% तक होती है। मतलब जो हमारा ढलवा लोहा होता है उसमें कार्बन की जो मात्रा उपस्थित होती है वो 2 से 4.5% होती है, 2 से 4.5% होती है। ओके, आप प्यारे बच्चों, जो जो हमारा ढलवा लोहा होता है, एक्चुअली देखिएगा, जो ढलवा लोहा होता है, आप लोग सभी लोग जानते हैं कि ढलवा लोहा जो होता है ये मतलब बहुत भंगुर लोहा होता है। भंगुर का मतलब ऐसा होता है कि अगर आप इसको टोके पीटेंगे तो ये क्या हो जाता है, टूट जाएगा। अच्छा, अब हम आपको बताएं, सभी लोग, हमारी उम्मीद है कि लगभग 80% स्टूडेंट ऐसे होंगे जो इसमें गाँव से बिलोंग करते होंगे, जो गाँव में रहते होंगे। आपको हम एक ढलवा लोहे का एग्जाम्पल बहुत इतना सटीक बताने जा रहे हैं कि आप समझ जाएंगे। ढलवा लोहा जो आप लोगों के घर में कटिया मशीन होती है, तो कटिया मशीन का जो घील होता है, कटिया मशीन का जो घील होता है वो ढलवा लोहे के द्वारा बनाया जाता है। अगर आप उसमें एक हथौड़ा मार दें, जो मशीन का पहिया होता है उसमें एक आप हथौड़ा मार दें, पहिया क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। इसी के तरीके से जो मशीन के ऊपर का पोर्शन होता है जिसको टापा बोलते हैं, अगर उसमें भी हथौड़ा मार देंगे तो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो जो ढलवा लोहा होता है, ढलवे लोहे में बिल्डिंग नहीं हो पाती है। ढलवे लोहे में क्या नहीं हो पाती, बिल्डिंग नहीं हो पाती, जो मतलब भंगुर लोहा होता है। ओके, और मैंने बताया कि जो हमारा ढलवा लोहा होता है इसमें क्या होता है, 2 से 4.5% क्या होता है, कार्बन पाया जाता है। अब नेक्स्ट बात ये हमको याद रखना है कि जो ढलवा लोहा प्यारे बच्चों होता है, ये ढाल कर बनाया जाता है। सांचों में क्या किया जाता है, इसको लिक्विड को भर दिया जाता है, और भरने के बाद उसको ठंडा कर देते हैं। ठंडा करने के बाद क्या हो जाता है, वो सांचे से निकाल लेते हैं, तो उसमें जिसको हम बनाना चाहते हैं वो वस्तु क्या हो जाती है, बन जाती है। तो ढलवा लोहा, और इसी तरीके से जो चैम्बर वगैरह होते हैं, चैम्बर में आपने देखा होगा कि उसके ऊपर एक ढक्कन लगा होता है, वो भी क्या होता है, ढलवे लोहे का ही बना होता है। अगर उसमें हथौड़े को मार दिया जाए तो क्या हो जाएगा, वो टूट जाएगा। इसके बाद क्या है प्यारे बच्चों, लिखा है कि जो ढलवा लोहे, इस जो कठोर तथा भंगुर है, इसकी वेल्डिंग नहीं की जा सकती है, यह ठंडा होने पर फैलता है। मतलब जब ठंडा हो जाता है तो ये थोड़ा क्या करता है, फैलता है, स्कैट करता है, और इसको सुगमता से डाला जा सकता है, आसानी से इसको क्या किया जा सकता है, डाला जा सकता है। इससे भारी मशीनों के पुर्जे बनते हैं, रिटार्ड नल स्टोव बनाने के काम आता है, इसमें जंग बहुत धीरे धीरे लगती है। तो प्यारे बच्चों, इसीलिए, क्योंकि जो आपके होल पास वगैरह होता है, जो मशीन वगैरह होती है, इसके पहिए में आप देखिएगा कि जंग बहुत स्लोली लगेगी, जो जंग इसमें होती है वो बहुत स्लोली लगती, बहुत धीरे धीरे होती है। तो आप इसको, इस बात को समझ गए, रेस्टिंग ऑफ आयरन। तो अगर आप लोगों से कभी पूछा जाए कि जो जंग होता है, ये पॉइंट नोट कर लेना, जंग का क्या सूत्र होता है, तो जंग का प्यारे होता क्या है कि इसको पीट पीट कर क्या किया जाता है, इसको लंबा किया जा सकता है। जैसे कमानी वाले होते हैं, कमानी आपके घर में पड़ी होती है, जिससे लोग घर में कुल्हाड़ी बनवाते हैं, तो लोहा जो चाकू जो बनवाते हैं, थोड़ा सा लोहा ले जाते हैं, उसको गर्म करके पीट पीट के बड़ा बड़ा के क्या करते हैं, बड़ा बनाकर उसका कुछ भी बना दिया जाता है। तो पिटवा लोहा जो होता है वो थोड़ा क्या होता है, मतलब उसको बंगू टाइप का नहीं होता है, उसमें अगर टोकेंगे पीटेंगे तो वो टूटेगा नहीं। अब यार बच्चों, जो हमारा जो पिटवा लोहा होता है उसमें जो कार्बन होता है, उसमें कार्बन जो होता है 0.2% की होता है। पिटवा लोहे में केवल 0.2% क्या होता है, कार्बन होता है। जो हमारा पिटवा लोहा होता है उसमें जो कार्बन होता है वो 0.2% पाया जाता है। अगर आप लोगों से प्यारे बच्चों पूछा जाए कि जो पिटवा लोहा होता है उसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा होती है, तो पिटवा लोहे में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि 0.2% होती है। अब देखिए इसके बाद क्या होता है, यह काफी उच्च ताप पर पिघलता है। प्यारे बच्चों, जो हमारा पिटवा लोहा होता है ये काफी उच्च ताप पर पिघलता है। तो अभी हम इनके गलनांक भी आपको बताएंगे, सभी के मैं गलनांक बताऊंगा, पिटवा ढलवा लोहा के सभी के मैं गलनांक बताऊंगा कि इतने पॉइंट पर इसका क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है, ये क्या करने से पिघल जाता है। अब देखिए इससे क्या होता है कि मुक्ता जंजीर, बोल्ट, कील और भट्टियों में लगने वाली सलाखें बनाने के काम आती है।
तो जो हमारे लोहे पेटवा लोहा जो होता है, ये हमने आपको बताया कि कैसा होता है, मतलब ये कठोर, हम कह सकते हैं कि कठोर होता है, भंगुर नहीं होता है। और इसमें क्या होता है कि कार्बन की जो प्रतिशत मात्रा होती है वो कितनी होती है, 0.2% पाया जाता है। दूसरी बात, मैंने आपको जो बताया कि जो पेटवा जो लोहा होता है, इससे मुख्यतः क्या बनाया जा सकता है, कील बनाई जा सकती है, बोल्ट बनाई जा सकती है, मतलब ऐसी वस्तुएं बनाई जाती है कि जो आसानी से क्या ना करें, टूटे ना, टूटने मतलब ये टूटती नहीं है। और क्योंकि जब पेटवा लोहा पीट पीट कर क्या किया जाता है, बनाया जा सकता है, बनाया जाता है। और इसीलिए अब उच्च ताप पर ये क्या होता है, मेल्ट करता है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट प्यारे बच्चों होता है, वो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, उच्च होता है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, मुझे शायद आप लोगों को कुछ राइट कंफर्म हो गई होगी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है तो प्यारे बच्चों कमेंट कर दीजिएगा। यहाँ तक अगर आपको कुछ पूछना है, कोई समस्या है तो आप कमेंट करके बताइए, मैं आपके कमेंट को देख रहा, जल्दी से आप कमेंट करिए। जल्दी से प्यारे बच्चों कमेंट करिए। ओके, सभी को कैसी क्लास लग रही है, जब भी आप समस्या बताइए, क्लास अच्छी है कि खराब है, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। सभी को समझ में आ रहा है, यस या नो? अगर समझ में आ रहा है तो सभी लोग यस। ओके, अब प्यारे बच्चों हम लोग इस बात देखते हैं, स्टील देखते हैं। स्टील जो होता है, इस बात में 0.2 से 2% तक क्या होता है, कार्बन होता है। जो हमारा इस्पात होता है, जो हमारा स्टील होता है, इस स्टील में जो होता है 0.2 से 2% क्या होता है, कार्बन इसमें पाया जाता है। इसमें जो कार्बन की प्रतिशत मात्रा होती है वो 0.2 से कितनी होती है, 2% होती है। इससे मशीनों के पुर्जे बनते हैं। ये जो हमारा इस्पात होता है, इससे क्या बनते हैं, मशीनों के पुर्जे बनते हैं। रेल की पट्टी तथा डॉक्टर के औजार बनाने में इसका क्या किया जाता है, काम किया जाता है। यार बच्चों आपने देखा होगा, लेके आता है स्टेनलेस स्टील। आप जैसे ब्लेड वगैरह लेते हैं, और जो ब्लेड उसमें आप ऊपर लिखा होता है स्टेनलेस स्टील, प्यारे बच्चों ये वही है। इसका क्या होता है कि औजार बना स्थायी चुंबक तथा चुंबकीय सुइयों के इस्पात की बनी होती है। जो हमारे स्थायी चुंबक होते हैं, स्थायी चुंबक भी हमारे किससे बने होते हैं, ये आपके बने होते हैं इस्पात के बने होते हैं। इसके अलावा चुंबकीय जो सुइयां जो होती है, चुंबकीय सुइयां भी हमारी किसकी बनी होती है, इस्पात की बनी होती है। ओके बेटा, तो इसमें ये पॉइंट्स आपका मजेदार है, इस पॉइंट्स को इतने को आप लोग याद रखिएगा कि जो इस्पात जो हमारा होता है, इस इस्पात में 0.2 से 2% आता है। दूसरी बात, आप लोगों से यह पूछा जा सकता है कि स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। अब स्थायी चुंबक जब उस बनाए जाते हैं, उसमें आपका लिखा होगा पिटवा लोहा, डलवा लोहा, इस्पात, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों अगर आप लोगों से पूछा जाए कि स्थायी चुंबक किसके बनते हैं, तो स्थायी चुंबक जो बनते हैं वो किसके बनते हैं, इस्पात के बनते हैं, स्टील के बनते हैं। ओके, कोई समस्या, कोई समस्या है तो कमेंट करिए, नहीं है तो यस, कोई समस्या नहीं है तो बताइए। सभी को क्लियर हो रहा है, कोई समस्या है तो बताइए प्यार बच्चों, अगर कोई समस्या है तो आप लोग बताइएगा। तो अच्छा, हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब प्यार बच्चों देखिए, यहां पर लिखा हुआ है वे इस्पात जिनमें क्रोमियम, वे इस्पात जिनमें क्रोमियम, निकेल, टंगस्टन, मॉलिब्डेनम, मॉलिब्डेनम, वेनेडियम और सिलिकॉन आदि मिश्र धातु होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, वो इस्पात कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं, इस्पात कहलाते हैं। मतलब क्रोमियम हो, निकेल हो, टंगस्टन हो, मॉलिब्डेनम हो, सिलिकॉन हो, वेनेडियम हो, ऐसी अगर उसमें धातुएं मिश्रित होती हैं तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, वो आपको मिश्र धातु कहलाते हैं, मिश्र धातु इस्पात कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं, मिश्र धातु इस्पात कहलाते हैं। तो इनको आपको लर्न करना है, ये आपकी जो धातुएं दी है इनको आपको याद रखना है कि क्रोमियम, निकेल, टंगस्टन, मॉलिब्डेनम और वेनेडियम और सिलिकॉन, इन धातुओं को आप लोग अच्छी तरीके से तैयार कर रखिएगा। आप प्यार बच्चों नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे कि जो डलवा लोहा होता है, डलवा लोहा का गलनांक, डलवा लोहा जो हमारा होता है कितने ताप पर क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट जो होगा डलवा लोहे का, जो मेल्टिंग पॉइंट प्यार बच्चों होगा, आप देखिए कहीं पर एमपी लिखा हो तो मध्य प्रदेश मत पढ़ना, अगर केमिस्ट्री में कहीं एमपी लिखा हो तो उसको मध्य प्रदेश मत पढ़िएगा। इस पर प्यार बच्चों आप लोग क्या पढ़ेंगे, मेल्टिंग पॉइंट पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, मेल्टिंग पॉइंट पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, मेल्टिंग पॉइंट। तो ये प्यार बच्चों जो हमारा होता है इसको हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, ये जो हमारा एमपी होता है इसको मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। तो जो हमारा डलवा लोहा होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है 1150 से 1250 तक होता है, डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब जो हमारा ये लोहा होता है, इस लोहे का
जो ये जो हमारा डलवा लोहा था, ध्यान से रखिएगा, ध्यान रखिएगा, डलवा लोहा जो होता है, डलवे लोहे का अगर आपसे पूछा जाए कि गलनांक कितने डिग्री सेल्सियस होता है, किसके किसके मध्य होता है, तो प्यारे बच्चों डलवे लोहे का जो गलनांक होता है वो 1150 से 1250 डिग्री सेल्सियस होता है। ओके, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम है तो नहीं है, चले आगे बढ़े। सभी लोग बताइए, कोई कमेंट करके, कोई समस्या तो नहीं है, जल्दी प्यारे बच्चों बताइए कमेंट करके, कोई समस्या तो नहीं है। कमेंट करके जल्दी से बताइए, जल्दी कमेंट करके प्यारे बच्चों बताइएगा। चलिए हम लोग नेट देते हैं, पिटवा लोहे का गलनांक कितना होता है प्यारे बच्चों, तो पिटवा लोहे का गलनांक 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। पिटवा लोहे से काफी मिलता जुलता है, ये जो हमारा पिटवा लोहा होता है 1500 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है, और ये जो है काफी मिलता जुलता है, मतलब पिटवा लोहा जो होता है डलवा लोहे से काफी क्या होता है, मिलता जुलता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमें देखना है कि ये जो हमारा कठोर इस्पात जो होता है, इस कठोर इस्पात का जो गलनांक होता है वो कितना होता है, 1300 से 1400 डिग्री सेल्सियस होता है। जो हमारा इस्पात होता है, इस इस्पात का जो गलनांक होता है, गलनांक प्यारे बच्चों कितना होता है, आपको बताया गया कि इस्पात का गलनांक जो होता है 1300 से 1400 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। कितना होता है, 1300 से 1400 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। ओके, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों अब हम लोग जो है कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न कर लेते हैं, और उन प्रश्नों का आप उत्तर दीजिएगा, कई दिन से हम लोग प्रश्न नहीं कर पा रहे थे। पहला प्रश्न है मैग्नेटाइट किसका एक्स होता है, मैग्नेटाइट किसका एक्स होता है। प्यारे बच्चों पहला ऑप्शन है आपके पास, यहां पर पहला ऑप्शन है एल्युमिनियम, दूसरा प्यारे बच्चों यहां पर ऑप्शन है आपका कैल्शियम, दूसरा प्यारे बच्चों ऑप्शन आपके पास है सोडियम, और चौथा ऑप्शन प्यारे बच्चों आपके पास है आयरन। तो प्यारे बच्चों आप बताइए मैग्नेटाइट किसका एक्स होता है, जल्दी से कमेंट करिए, सभी लोग जल्दी से कमेंट करिए। प्यारे बच्चों ये जो हमारा मैग्नेटाइट होगा, मैग्नेटाइट हमारा आयरन का एक्स होगा, किसका होगा, आयरन का एक्स होगा। इसका जो फार्मूला होता है क्या होता है, Fe2O3 3H2O। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन प्यारे बच्चों डी, चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन प्यारे बच्चों लिखिएगा, पिटवा लोहे में कार्बन प्रतिशत मात्रा होती है, पिटवा लोहे में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। पहला ऑप्शन है आपका 0.2%, दूसरा है 0.2 से 4%, तीसरा प्यारे बच्चों ऑप्शन है आपका 2 से 4.5%, तीसरा ऑप्शन आपके पास है 5%। जल्दी से ऑप्शन प्यारे बच्चे बताइएगा, जल्दी से बताइए, काफी बच्चों का ऑप्शन सही आ रहा है, ऑप्शन डार बच्चों ए होगा आपका। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, तीसरा हम लोगों का
इस्पैतिक आयरन का सूत्र होता है। इस्पैतिक आयरन का सूत्र होता है। पहला प्यारे बच्चों, पहला ऑप्शन है Fe2O3, दूसरा ऑप्शन प्यारे बच्चों है C2O3, तीसरा ऑप्शन प्यारे बच्चों है FeCO3, चौथा ऑप्शन प्यारे बच्चों है Fe2O CO3। जल्दी से प्यारे बच्चों बताइए, फटाक से ऑप्शन दीजिएगा, आंसर रिप्लाई करिए, जल्दी से बताइए इस्पैतिक आयरन का जो सूत्र होता है क्या होता है, जल्दी से प्यारे बच्चों कमेंट करके बताइए। वेरी गुड, ऑप्शन आपका इसमें सी सही होगा, इस्पैतिक आयरन का लगभग सभी बच्चों का सही आ रहा है। चलिए दूसरा हम लोग देखते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। हेमेटाइट अयस्क का सूत्र है। पहला आप देखिएगा, पहला आपका होगा Fe2O3, दूसरा ऑप्शन होगा आपका Fe3O4, तीसरा ऑप्शन आपका होगा Fe2O, और चौथा ऑप्शन आपका होगा Fe2O4। चलिए जल्दी से बताइए, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा प्यारे बच्चों, जल्दी से कमेंट करिए। ऑप्शन प्यारे बच्चों पहला सही होगा, ऑप्शन आपका पहला सही होगा, सभी लोग पहला ऑप्शन सही होगा। Fe2O3 हेमेटाइट जो होता है, ये किसका एक्स होता है, आयरन का एक्स होता है, किसका एक्स होता है, आयरन का एक्स होता है। ओके, तो इस तरीके से हम लोग ये आयरन का आज कंप्लीट किया। अब हम लोग इसके नेक्स्ट लेक्चर में आयरन के कंपाउंड्स का भी डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज का प्यारे बच्चों मैं लेक्चर एंड करता हूँ, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट डे नेक्स्ट जोश के साथ मिलते हैं। प्यारे बच्चों धन्यवाद।
जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% था, कितना है जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का देखा जाता है, विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% था, कितना 30% है। तो विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना 30% है। तो ये भी ध्यान रखना, अगर पूछ लेता देखो किस तरह यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको आप सबको जरूर बता देते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, तो सबसे बड़ा महाद्वीप हमारा हो जाएगा एशिया महाद्वीप हो जाएगा। कौन सा? एशिया महाद्वीप हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? एशिया महाद्वीप। अब एशिया महाद्वीप जो होता है विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है, अगर मान लेते हैं हमारा जो टोटल एरिया जो विश्व का महाद्वीप यानी टोटल जो महाद्वीप का क्षेत्रफल है मान लेते हैं 100% है, कितना 100% है। अब कोई भी चीज अगर हमें परसेंटेज में अधिकतर देखा जाता है कि एरिया कोई भी चीज क्या होता है परसेंटेज में निकाला जाता है, तो अगर मान लेते हैं टोटल जो हमारा क्षेत्रफल है टोटल क्षेत्रफल कितना है 100% है, तो उसमें जो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है उसका लगभग कितना प्रतिशत क्षेत्रफल है विश्व के क्षेत्रफल में, तो लगभग कितना 30% है, कितना हो जाएगा 30% हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना कि पहला क्वेश्चन कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा हो जाएगा एशिया महाद्वीप हो जाएगा। जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है, तो 30% हो जाएगा, कितना हो जाएगा 30% हो जाएगा। ये क्वेश्चन हो गया कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप, तो विश्व का जो सबसे छोटा महाद्वीप होता है आपको पता होगा, नहीं पता तो आप समझा लीजिएगा, क्या होता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, क्या होता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप होता है। तो ये क्वेश्चन हो गया, सबसे बड़ा हमने आप सबको बता दिया सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप है जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है, तो 30% हो जाएगा, कितना हो जाएगा 30%। और सबसे छोटा महाद्वीप अगर पूछ लेता क्या सबसे छोटा महाद्वीप, तो सबसे छोटा महाद्वीप होता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो जाएगा। अब ऑस्ट्रेलिया की राजधानी अगर पूछ लेता है तो कैनबरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा कैनबरा। तो ये भी क्वेश्चन ध्यान रखना कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, तो ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी हो जाएगी वो क्या हो जाएगा कैनबरा। तो राजधानी विश्व की राजधानी से भी काफी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, चीन, नेपाल, भूटान, ये सब की आप सबको राजधानी जरूर याद रखना। भारत के जितने भी पड़ोसी देश है, क्या भारत के जितने भी पड़ोसी देश है उनकी राजधानी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हम सब जब पेपर देते तो लगभग कम से कम 60 से 70 देश की राजधानी लगभग याद किए थे। अगर देखोगे टोटल जो कुल देशों की संख्या लगभग है 206 से 210 भारत का, कितने टोटल कुल देशों की संख्या 206 से 210 भारत तक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा। हाँ, ये क्वेश्चन रिपीटेड में आया हुआ है, ये क्वेश्चन रिपीटेड में पूछा गया कि सबसे बड़ा महासागर, सबसे बड़ा महासागर, तो सबसे बड़ा महासागर कौन सा हो जाएगा, तो सबसे बड़ा महासागर जो होता है प्रशांत महासागर होता है, क्या होता है प्रशांत महासागर। ये भी क्वेश्चन आया रिपीटेड में पूछा गया था कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा हो जाएगा, तो हमारा सबसे बड़ा महासागर कौन सा हो जाएगा, तो प्रशांत महासागर हो जाएगा। सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा नंदन बांध, और सबसे बड़ा बांध अगर पूछ लेगा तो हीराकुंड बांध हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? हीराकुंड बांध। तो ये भी क्वेश्चन ध्यान रखना कि सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप, सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या हो जाएगा कैनबरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा कैनबरा। उसका अगला क्वेश्चन आ जाता है विश्व का सबसे छोटा महासागर। अब हमने बता दिया आप सबको सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, अब सबसे छोटा महासागर अगर पूछ लेता, सबसे छोटा महासागर, तो जो सबसे छोटा महासागर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा क्या आर्कटिक महासागर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आर्कटिक महासागर। क्या हो जाएगा आर्कटिक महासागर। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना, सबसे बड़ा हमने आप सबको बता दिया, देखो आप सबको बहुत स्लो पढ़ाएंगे, ज्यादा तेज नहीं पढ़ाएंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, सबसे छोटा महासागर तो आर्कटिक महासागर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? आर्कटिक महासागर हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन ध्यान रखना कि सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर हो जाएगा। कौन सा? आर्कटिक महासागर। उसका अगला क्वेश्चन आ जाता है विश्व का सबसे गहरा महासागर अगर पूछ लेता है, विश्व का सबसे गहरा महासागर, सबसे गहरा महासागर, तो सबसे गहरा महासागर जो हो जाएगा कि विश्व का सबसे गहरा महासागर, तो सबसे गहरा महासागर जो हो जाएगा हमारा प्रशांत महासागर। क्या? प्रशांत महासागर। ये भी वही है प्रशांत महासागर, तो सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, और सबसे गहरा
इसका सबसे गहरा महासागर भी पूछ लेगा, तो इसका सबसे गहरा महासागर कौन सा हमारा हो जाएगा, प्रशांत महासागर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, प्रशांत महासागर। और सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आर्कटिक महासागर हो जाएगा। उसका अगला क्वेश्चन पूछा कि विश्व का सबसे बड़ा सागर, इस तरह पूछ लेता है कि विश्व का सबसे बड़ा सागर, महासागर नहीं रहता, क्यों सागर, विश्व का सबसे बड़ा सागर, तो विश्व का सबसे बड़ा जो सागर हो जाएगा हमारा दक्षिणी चीन सागर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दक्षिणी चीन सागर, दक्षिणी चीन सागर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप ध्यान रखना कि विश्व का सबसे बड़ा सागर, तो विश्व का जो सबसे बड़ा सागर हो जाएगा दक्षिणी चीन सागर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दक्षिणी चीन सागर। तो पहला क्वेश्चन हमने बताया कि सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, यानी विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, क्या हो जाएगा, प्रशांत महासागर। उसके बाद विश्व का सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आर्कटिक महासागर। उसके बाद सबसे गहरा महासागर पूछ लेता है, क्या विश्व का सबसे गहरा और सबसे बड़ा महासागर, तो हमारा कौन सा, प्रशांत महासागर हो जाएगा, कौन सा, प्रशांत महासागर। और विश्व का सबसे बड़ा महासागर क्यों सागर पूछ लेगा, क्या विश्व का सबसे बड़ा सागर, तो विश्व का सबसे बड़ा सागर जो है दक्षिणी चीन सागर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दक्षिणी चीन सागर। तो ये भी क्वेश्चन आना कि विश्व का सबसे बड़ा सागर महासागर नहीं, क्यों सबसे बड़ा सागर अगर पूछ लेगा तो दक्षिणी चीन सागर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दक्षिणी चीन सागर। उसके अगला क्वेश्चन आ जाता है कि विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी, तो विश्व की जो सबसे बड़ी खाड़ी अगर पूछ लेगा, क्या विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी अगर पूछ लेगा, तो मैक्सिको की खाड़ी हो जाएगा, कौन सा, मैक्सिको की खाड़ी। तो ये भी क्वेश्चन ध्यान रखना, अगर पूछ लेता कि विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी, तो विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सा हो जाएगा, मैक्सिको की खाड़ी हो जाएगी, कौन सा हो जाएगा, मैक्सिको की खाड़ी। उसके अगला क्वेश्चन आ जाता कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप अगर पूछ लेगा, क्या विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, तो ग्रीनलैंड, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप अगर पूछ लेगा, केवल द्वीप पूछेगा, क्या केवल द्वीप पूछ लेता कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप अगर हो जाएगा, तो ग्रीनलैंड हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, ग्रीनलैंड। तो ये ध्यान रखना कि पूछ लेता कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप हो जाएगा हमारा ग्रीनलैंड हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, ग्रीनलैंड हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन हमने आप सबको बताया है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एशिया महाद्वीप, जो पूरे विश्व का लगभग कितना प्रतिशत क्षेत्रफल है, 30% है, कितना है, 30%। उसका विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप, तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या हो जाएगा, तो कैनबरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैनबरा। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है, क्या, प्रशांत महासागर। और विश्व का सबसे गहरा महासागर तो भी कौन सा हो जाएगा, हमारा प्रशांत महासागर हो जाएगा, कौन सा, प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, आर्कटिक महासागर हो जाएगा। उसका विश्व का सबसे बड़ा सागर, तो विश्व का सबसे बड़ा सागर हमारा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, दक्षिणी चीन सागर, कौन सा हो जाएगा, दक्षिणी चीन सागर हो जाएगा। उसका अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी, तो मैक्सिको की खाड़ी हो जाएगी, कौन सी, मैक्सिको की खाड़ी। और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप हो जाएगा, तो ग्रीनलैंड द्वीप, कौन सा, ग्रीनलैंड द्वीप हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना, इसके बाद आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 10-15 क्वेश्चन जीएस के, जो उसको आप सबको हम कंप्लीट करा देते हैं। अब यहां तक कि विश्व की सबसे लंबी नदी, हाँ ये क्वेश्चन पूछा गया है कि विश्व की सबसे लंबी नदी अगर पूछ लेता है, विश्व की सबसे लंबी नदी, तो अगर पूछ लेता कि विश्व की सबसे लंबी नदी, तो विश्व की जो सबसे लंबी नदी हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, नील नदी हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, नील नदी। तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, जिसकी लंबाई कितनी है, 6650 किलोमीटर है, कितना है, 6650 किलोमीटर। तो ये भी नोट कर लेना कि विश्व की सबसे लंबी नदी, तो सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी, हमारी नील नदी हो जाएगा, जिसकी लंबाई कितनी है, 6650 किलोमीटर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6650 किलोमीटर। उसमें अगला क्वेश्चन आ जाता है कि अगर पूछ लेता विश्व की सबसे बड़ी अप्रवाह की दृष्टि से, या विश्व की सबसे बड़ी अप्रवाह क्षेत्र वाली नदी, क्या अप्रवाह क्षेत्र या अप्रवाह की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी कौन सी हो जाएगी, तो अप्रवाह अगर पूछ लेगा, क्या अप्रवाह, तो विश्व की सबसे बड़ी अप्रवाह क्षेत्र वाली नदी, विश्व की सबसे बड़ी अप्रवाह, विश्व की सबसे बड़ी अप्रवाह क्षेत्र वाली नदी, क्षेत्र वाली नदी, तो विश्व की सबसे बड़ी अप्रवाह क्षेत्र वाली नदी कौन, अमेजन नदी हो जाएगा, कौन सी हो जाएगी, अमेजन नदी। यह भी क्वेश्चन लगभग यूपी कैटर में कहीं दो पूछा गया है, ये दोनों क्वेश्चन लगभग काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है तुम्हारे जीएस में, पहली बार या सबसे लंबी सबसे बड़ी अक्सर यही पूछा जाता है यूपी कैटर में, हो सकता है कुछ क्वेश्चन जो पूछे जाते हो वैसे करंट के भी कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो जितने भी स्टूडेंट है तो आप करंट के क्वेश्चन भी जरूर देखते रहे, क्योंकि करंट के क्वेश्चन भी जरूर पूछे जाते हैं, हो सकता है 2-4-5 क्वेश्चन दे सकता है, तो अगर 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 5-6 क्वेश्चन करंट का दे सकता है, तो इसको भी आप जरूर एक बार देखते रहिएगा, करंट का क्वेश्चन कौन सा, हाल ही में कौन सी घटनाएं हुई है या कौन से नए नियम लागू हुए, तो ये सबको आप जरूर देखते रहिएगा। तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी हो जाएगी, जिसकी लंबाई
6,650 किलोमीटर, विश्व की सबसे बड़ी अप्रवाह क्षेत्र वाली नदी, तो सबसे बड़ी अप्रवाह क्षेत्र वाली नदी कौन सा हो जाएगा, तो अमेजन नदी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, अमेजन नदी। उसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप कौन सा हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप, विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप, क्या पूछ रहे थे, विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप, ये भी क्वेश्चन ध्यान रखना कि विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप कौन सी है, तो माजुली द्वीप हो जाएगा, कौन सी, माजुली, माजुली द्वीप, जो कहां पर स्थित है, भारत में स्थित है, कहां पर स्थित है, भारत में स्थित है। तो ये भी क्वेश्चन ध्यान रखना कि विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप कौन सी हो जाएगी, तो विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप तो माजुली हो जाएगी, क्या हो जाएगा, माजुली, ये ध्यान रखना, जाए माजुली द्वीप हो जाएगी, कौन सी, माजुली द्वीप। तो ये भी क्वेश्चन ध्यान रखना, विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप अगर पूछेगा तो माजुली द्वीप हो जाएगा, जो कहां पर स्थित है, भारत में, कहां पर, भारत में। ये हो गया। उसका अगला क्वेश्चन पूछ लेता कि विश्व के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा हो जाएगा, विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से, विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश, विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश, तो सबसे छोटा देश हमारा कौन सा हो जाएगा, वेटिकन सिटी हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, वेटिकन सिटी, कौन सा, वेटिकन सिटी। अब वेटिकन सिटी जब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश है, तो अब इसका क्षेत्रफल कितना है, तो 44 हेक्टेयर है, कितना, 44 हेक्टेयर, कितना, 44 हेक्टेयर। तो ये भी ध्यान रखना कि विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा हो जाएगा, तो विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश हो जाएगा, वेटिकन सिटी देश हो जाएगा, कौन सा, वेटिकन सिटी देश हो जाएगा। इसका जो कुल क्षेत्रफल है लगभग 44 हेक्टेयर है, कितना, 44 हेक्टेयर, यानी समझिए 44 हेक्टेयर, तो कुछ नहीं, कितना हमारे देश में लगभग, हमारे जिले में लगभग इसकी खेती अच्छे की जाती है। तो सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी हो जाएगा, कौन सा, वेटिकन सिटी। उसके ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान, तो विश्व का जो सबसे बड़ा रेगिस्तान हो जाएगा वो हमारा सहारा रेगिस्तान हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सहारा का रेगिस्तान, जो कहां पर स्थित है, अफ्रीका में स्थित, कहां पर, अफ्रीका में। विश्व का यहां पर पूछ रहा है विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान, रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान हो जाएगा तो हमारा हो जाएगा सहारा, सहारा रेगिस्तान, जो कहां पर स्थित है, अफ्रीका में स्थित है, कहां पर, अफ्रीका में स्थित है। तो ये भी ध्यान रखना कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान अगर विश्व का पूछेगा तो सहारा रेगिस्तान, अगर भारत का पूछेगा तो क्या हो जाएगा, थार का मरुस्थल जयपुर माना जाता है, क्या राजस्थान माना जाता है, क्या माना जाता है, राजस्थान, राजस्थान के जहाज किसे कहा जाता है, तो ऊंट को कहा जाता है, किसे कहा जाता है, ऊंट को कहा जाता है। तो ये भी ध्यान रखना कि राजस्थान के जहाज किसे कहा जाता है, तो ऊंट, यानी कैमल या ऊंट को कहा जाता है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी, सबसे बड़ा आप सबको पता होगा रूस है, क्या रूस है। भारत का विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है, तो सातवां स्थान, कौन सा हो जाएगा, सातवां स्थान हो जाएगा। उसके बाद पूरे विश्व के क्षेत्रफल में भारत का कितना प्रतिशत योगदान है, तो ये क्वेश्चन हमने बताया 2.42% योगदान है, पूरे विश्व के क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कितना प्रतिशत योगदान है, तो 2.42% है। अगर पूरे विश्व की जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कितना प्रतिशत योगदान है, तो लगभग 17.5% योगदान है, कितना, 17.5% योगदान है। ये सब क्वेश्चन काफी बार पूछे जाते हैं, तो ये हमारे जीएस के जो चर्चा था उसको आप सबके लिए लेकर आए थे। तो जितने भी स्टूडेंट है आप सभी लोग अच्छे से जीएस के साथ में तैयारी करते चलिए, जो भी हमने क्वेश्चन आप सबको पढ़ाया है, कुछ क्वेश्चन आप सबको जो क्लास होगी 2-4-10 क्वेश्चन ऐसे बताते चलेंगे, अगर मान लेते तो 5-7 क्वेश्चन भी बन जाते, बाकी योगेंद्र सर भी अच्छे से पढ़ा रहे हैं, योगेंद्र सर तो ऐसा चीज आप सबको पढ़ा रहे हैं, अगर आप पढ़ोगे तो आप हर पेपर क्वालीफाई कर सकते हैं। बाकी हम ऑनलाइन क्वेश्चन बता देते जो काफी मतलब महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं, तो उसको बीच बीच में बताते चलते हैं। तो चलिए आज भी स्टार्ट करते हैं हॉर्टिकल्चर की क्राफ्ट, जब पेपर में नजदीक आगे एक महीना समझ लीजिए, मानो तो समय कुछ नहीं, अगर मानो तो अच्छा खासा समय, इसको उपयोग अच्छे से कर सकते हैं, अगर एक महीना आप दिन रात एक करके पढ़ाई कर लेते हो तो शायद जो सिलेक्शन का नंबर होने का चांस जो अच्छा होता है वो समझ लीजिए लास्ट के एक महीना होता है, क्या लास्ट के अगर एक मंथ आप दिन रात अगर एक करके पढ़ाई कर लिए तो आपके सिलेक्शन जहाँ 3,000 आने वाली होती है वहां 300 के आसपास आ जाती है, या और अच्छा अगर आप कर लिए तो समझ लीजिए आपकी 30 रैंक आ सकती है। तो मेरा यूनिवर्सिटी पेपर बना लिया, यहाँ पर सब कुछ संभव है, 3,000 को आप 300 में और 30 में भी कन्वर्ट कर सकते हो, बस आपको जो लगन और परिश्रम की जरूरत है दिन रात, ये टारगेट बना के पढ़ो कि हमें टॉपर बनना, बस ये मत इसलिए मत पढ़ना कि हमें सिलेक्शन लेना है, ये अगर ये उद्देश्य पढ़ोगे कि हमें टॉपर बनना है तो आप कितना गिरी हाल में जाओगे तो भी आप 50 के अंदर रैंक ले आओगे। पढ़ाई देखो सिलेक्शन लेना और पास होना एक अलग बात होता है, ठीक है, सिलेक्शन लेकर आप चारों यूनिवर्सिटी में कहीं भी जा सकते हो, बांदा यूनिवर्सिटी में भी आपका सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन तो अगर टॉपर बनना है तो उसके लिए एक अलग से जुनून होना चाहिए, क्या एक अलग से जुनून होना चाहिए कि नहीं हमें यह करना है तो करना है, ये अपने दिमाग में बैठा लो कि नींद हमारे लिए कुछ नहीं है, यानी नींद का तो समझ नामो निशान हटा दो, एक महीना सोच लो या तो हम मतलब जी जान अपना पूरा लगा दे, इसी के पीछे अपना सब कुछ लगा देते सिलेक्शन लेने के पीछे बस, और एक एक महीना समझिए आपके पास आज लगभग कितने हो गए 9 तारीख हो गए, अब आप सबके पास समझ लीजिए 25 से 26-27 दिन बचे, कितने 26-27 दिन बचे हैं, तो आप दिन रात एक एक क्वेश्चन अच्छे से रिवीजन करो, जितना आप जब तैयार कर लिए उसको रिवीजन करो, जो नए बच्चे हैं वो टारगेट बनाए कि कम से कम 8-10 घंटे 12-14 घंटे जितना पढ़ाई कर पाओ लगे रहो दिन रात एक करके। तो भैया यही लास्ट समय है,
अच्छा कर ले जाओगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर जो भी बच्चे तैयार कर ले इंटरमीडिएट वाले स्टूडेंट तो जरूर जान ले, यानी आपके पास किताब उससे अच्छे से तैयार करिए, जो यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छे से तैयार करिए, प्लस आपके पास अगर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर चैप्टर के पीछे उसको अच्छे से तैयार करिए, और टॉप 10 अगर आपके पास दिया है तो उसमें भी कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया अगर मानते हैं जो आपके जो सब्जेक्ट भी थे जैसे केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, जियोलॉजी बॉटनी हो गया, तो टॉप 10 अगर आपके पास उसको भी आप देखते चलो, क्योंकि जो मेरा केमिस्ट्री बनाएंगे समझ लीजिए एकदम आपके यूपी बोर्ड के अकॉर्डिंग उन्होंने सिलेबस जारी किया तो उसके अकॉर्डिंग वो पेपर बनाएंगे, और पिछले 2 सालों का अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा पेपर बनाते हैं। एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए समझ लीजिए गोल्डन चांस रहता है जब मेरा यूनिवर्सिटी पेपर बनाते तो एडमिशन लेने के लिए, बाकी अदर यूनिवर्सिटी का तो कोई भरोसा नहीं है, यही एक यूनिवर्सिटी जो अच्छा पेपर बनाते। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम क्या देखेंगे, ओनियन कल्टीवेशन या प्याज की खेती, क्या देखेंगे, ओनियन कल्टीवेशन या प्याज की खेती, प्याज की खेती या ओनियन कल्टीवेशन या प्याज की खेती हो जाएगा। अब देखो सबसे पहले आ जाता है इसका बोटेनिकल नेम, क्या हो जाएगा, बी मतलब वनस्पति, मतलब बोटेनिकल या वनस्पति नाम, तो बोटेनिकल नेम वनस्पति नाम हो जाएगा एलियम सेपा हो जाएगा, क्या हो जाएगा एलियम सेपा हो जाएगा। देखो प्याज का बोटेनिकल नेम एलियम सेपा, अगर लहसुन का पूछ लेगा तो एलियम सेटाइवम होता है, क्या होता है एलियम सेटाइवम, एलियम आएगा यहाँ पर सेटाइवम और जुड़ जाता है, क्या हो जाएगा एलियम सेटाइवम, अगर लहसुन का पूछता है तो। लेकिन तो यहाँ पर हम क्या आपको बता रहे हैं प्याज कल्टीवेशन या प्याज की खेती, तो प्याज का बोटेनिकल नेम एलियम सेपा हो जाएगा, क्या हो जाएगा एलियम सेपा। उसके बाद जाता है फैमिली या कुल या परिवार, यानी प्याज किस कुल का सदस्य या किस परिवार का सदस्य या किस फैमिली का सदस्य, तो एलियेसी या लिलियेसी हो जाएगा, क्या हो जाएगा एलियेसी या लिलियेसी हो जाएगा। एक फैमिली और देता है जो लगभग कभी कभी देता है एमरी लिडेसी हो जाता है, क्या होता है एमरी लिडेसी, एक फैमिली और पूछ लेता है एमरी लिडेसी कभी कभी दे देता है, तो ये तीनों फैमिली आप ध्यान रखना, प्याज और लहसुन दोनों में एक फैमिली आती है, किसमें आती है प्याज और लहसुन दोनों में एक फैमिली आती है। अगर वहां पर पूछ लेता है ये एमरी लिडेसी, अगर पूछ लेता है एमरी लिडेसी, एमरी लिडेसी बहुत कम स्टूडेंट पढ़ते हैं, लेकिन तो इसलिए दोनों में ध्यान रखना कि एलियेसी या लिनियेसी या एमरी लिडेसी, क्या ध्यान रखना एलियेसी या लिनियेसी या एमरी लिडेसी। क्रोमोसोम नंबर या गुणसूत्र की संख्या जो इसमें आप सबको देखिए 2 इक्वल टू कितना दिया, तो 16 दिया, कितना हो जाएगा 16। तो प्याज का बोटेनिकल नेम एलियम सेपा, फैमिली एलियेसी लिलियेसी या एमरी लिडेसी हो जाएगा 2n 16। अब ओरिजिन प्लेस अगर पूछ लेता, क्या ओरिजिन प्लेस या उत्पत्ति स्थान, तो ओरिजिन प्लेस या उत्पत्ति स्थान अगर पूछ लेगा तो एशिया महाद्वीप हो जाएगा, क्या हो जाएगा एशिया महाद्वीप हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन ध्यान रखना कि प्याज का उत्पत्ति स्थान या ओरिजिन प्लेस, तो उत्पत्ति स्थान या ओरिजिन प्लेस क्या हो जाएगा एशिया महाद्वीप हो जाएगा। पहले हमने आप सबको बताया बोटेनिकल नेम एलियम सेपा, फैमिली या कुल एलियेसी या लिलियेसी या एमरी लिडेसी 2n, क्रोमोसोम नंबर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ओरिजिन प्लेस उत्पत्ति स्थान एशिया महाद्वीप हो जाएगा, क्या हो जाएगा एशिया महाद्वीप। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है इडबल पार्ट, हाँ देखो ये क्वेश्चन आपसे बहुत बता दें, प्याज और लहसुन जो आता है बल्ब क्रॉप्स के अंतर्गत आता है, किसके बल्ब है प्याज और लहसुन जो आता है बल्ब क्रॉप्स के अंतर्गत आता है, तो अगर पूछ लेता कि निम्न में से कौन से बल्ब क्रॉप्स के अंतर्गत आती है, तो प्याज और लहसुन जो होता है बल्ब की, क्या देखो कि प्याज और लहसुन कैसे बल्ब, यानी जो हमारा बल्ब कितनी राशि से रहता है बल्ब क्रॉप्स से बना रहता है, यहां देखोगे इसमें जड़े निकली जाती है, अब इसमें से कवर बना रहा था पूरे, आपसे देखेंगे तो ये क्या होता है बल्ब क्रॉप्स के अंतर्गत आता है, किसके अंतर्गत आता है बल्ब क्रॉप्स के अंतर्गत आता है, तो ऐसे बल्ब की तरह होता है, कैसे ऐसे बल्ब की तरह होता है, तो ये प्याज और लहसुन जो हमारे किसके अंतर्गत आते हैं बल्ब क्रॉप्स के अंतर्गत आता है, तो ये ध्यान रखना। अगर पूछ लेता निम्न में से कौन से बल्ब क्रॉप्स है, तो प्याज और लहसुन, तो प्याज का खाने वाला भाग बल्ब होता है, क्या होता है बल्ब ही इसका खाया जाता है। अब ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण लगभग कई बार पूछा गया कि प्याज में तीखापन या चटपटाहट का कारण क्या होता है, प्याज में तीखापन या चटपटाहट का कारण, तो एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड होता है, क्या होता है एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड हो जाए। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, आपको ध्यान रखना, ये लगभग कंपटीशन में कई बार पूछा गया कि एलाइल प्रोपाइल या डाइसल्फाइड किस में होता है या किस फसल में होता है, तो प्याज में होता है, क्या होता है तीखापन या चटपटाहट का कारण होता है, क्या होता है तीखापन या चटपटाहट का कारण, तो एलाइल प्रोपाइल या डाइसल्फाइड। अब प्याज एक भूमिगत तना है, ये भी भूमिगत तने का मतलब है भूमिगत तने का रूपांतरण रूप होता है, क्या होता है तने का रूपांतरण रूप होता है। देखो कि प्याज पहले स्टेम होता है, उसके बाद धीरे धीरे वो बल्ब का रूप धारण कर लेता है, क्या एक तना होता है, क्या होता है तने का रूप होता है, उसके बाद ये धीरे-धीरे बल्ब का रूप धारण कर लेता है। उसका अगला क्वेश्चन आ जाता है, अगर पूछ लेता कि प्याज मुख्यतः किस मौसम की फसल है, तो रबी की फसल है, किसकी हो जाएगी रबी की फसल, यानी रबी सीजन मतलब इसके अक्टूबर नवंबर में। देखो अगर पूछ लेता कि खरीफ फसल की बुआई कब की जाती है, तो जून से जुलाई में, कब की जाती है जून से जुलाई में। रबी फसल की बुआई कब की जाती है, तो अक्टूबर से नवंबर में की जाती है, कब की जाती है अक्टूबर से नवंबर में। और जायद फसल की बुआई कब की जाती है, तो जायद फसल की बुआई कब की जाती है फरवरी से मार्च में की जाती है, कब की जाती है फरवरी से। तो पहले हमने बताया कि प्याज का खाने वाला भाग, तो प्याज का खाने वाला बल्ब हो जाएगा, क्या हो जाएगा बल्ब। प्याज में तीखापन या चटपटाहट का कारण, तो तीखापन या चटपटाहट का कारण हो जाएगा एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड। प्याज एक भूमिगत तना, क्या एक भूमिगत तना, यानी एक भूमिगत तने का रूपांतरण रूप माना जाता है, क्या होता है भूमिगत तने का रूपांतरण रूप माना जाता है।
प्याज मुख्यतः किस मौसम की फसल है? तो रबी सीजन की फसल मानी जाती है। किस सीजन यानी किस सीजन की फसल मानी जाती है? तो रबी सीजन की फसल मानी जाती है। अगले क्वेश्चन जीएस गार्ड पूछ लेता है कि जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर कौन से थे? तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, तो आप ध्यान रखना। जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर तो जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी थे। कौन थे? महावीर स्वामी। ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा, अलग से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है महावीर स्वामी। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर किसे कहा जाता? महावीर स्वामी को माना जाता। किसे माना जाता? महावीर स्वामी को माना जाता। तो ये हमारा जीएस का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आ जाता सॉइल सॉइल मृदा, तो सैंडिलोम या लोम होना चाहिए। कैसी मृदा होना चाहिए? सैंडिलोम या लोम होनी चाहिए। पीएच कितना होना चाहिए? पीएच होना चाहिए 6 से 6.5 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 6 से 6.5, यानी एसिडिक नेचर का होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? एसिडिक नेचर का होना चाहिए, मतलब अम्लीय भूमि इसकी खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है। तो आधार रखना कि सॉइल मिलता सैंडिलोम या बलुई दोमट या दोमट होना चाहिए। पीएच जो होना चाहिए 6 से 6.5। देखो वैरायटीया प्रजातियां क्या जाता है? वैरायटीया प्रजातियां, तो भीमा राज, भीमा रेड, भीमा, भीमा सुपर, इन प्रजातियों में जो उपज होता है 400 से 500 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होता। क्या होता? 400 से 500 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होता। अगर इन वैरायटियों का नाम देखे पूछ लेता, क्या नाम देखे अगर पूछता है तो पूछा जा सकता है। बाकी वैसे अदर वैरायटी जो है वो मुख्य वैरायटी जो पूछी जाती है, अभी आप सबको बताएंगे, इसके नष्ट हो जाएगा। तो वैरायटी प्रजाति भीमा राज, भीमा रेड, भीमा सुपर। अगर पूछ लेता भीमा राज, भीमा रेड, भीमा सुपर में इन सभी प्रजातियों में उपज कितना होता है? तो 400 से 500 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होता। कितना होता है? 400 से 500 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी वैरायटी, ये सब वैरायटी प्रजाति काफी महत्वपूर्ण। देखो पूसा रत्नाकर, ये काफी वैरायटी महत्वपूर्ण है। निफाद तिरपन, निफाद तिरपन को यम तिरपन भी कहा जाता है, सॉरी यम तिरपन भी कहा जाता है। निफाद तिरपन को यम तिरपन भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन आप ध्यान रखना कि पूसा रत्नाकर किसकी वैरायटी प्याज की, या निफाद तिरपन किसकी वैरायटी है, यम तिरपन किसकी वैरायटी प्याज की, इससे एक वैरायटी तो लगभग महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है, पूछा जाता है। और एग्री फाउंड डार्क रेड क्या हो जाएगा? एग्री फाउंड डार्क रेड पटना रेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पटना रेड। नासिक रेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा? नासिक रेड। अर्का निकेतन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अर्का निकेतन। ये सब वैरायटी काफी महत्वपूर्ण वैरायटी है, जिसपे हमने अंडरलाइन किया, वो वैरायटी तो आपको कभी नहीं भूलना। अगर अच्छी रैंक लानी है तो आपको ये वैरायटी तो याद होना ही चाहिए। तो पहले हमने बताया पूसा रत्नाकर और निफाद तिरपन, निफाद मतलब यहाँ तिरपन। एग्री फाउंड डार्क रेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एग्री फाउंड डार्क रेड हो जाएगा। पटना रेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पटना रेड। नासिक रेड, ये वैरायटी पूछा गया था मेरा यूनिवर्सिटी जब पेपर आने की, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि नासिक रेड वैरायटी प्रजाति किसकी है, तो आप सबको पता ही है किसकी है, तो प्याज की है। किसकी है? प्याज की है। अर्का निकेतन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अर्का निकेतन। तो ये सब वैरायटी काफी महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं प्याज की खरीफ ऋतु में उगाई जाने वाली प्रजातियां, मतलब कुछ ऐसी वैरायटी होती है जो खरीफ ऋतु में भी उगाई जाती है। तो कौन सी ऐसी वैरायटी है जो खरीफ ऋतु में उगाई जाती है? तो एग्री फाउंड डार्क रेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एग्री फाउंड डार्क रेड हो जाएगा। निफाद तिरपन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? निफाद तिरपन। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना कि प्याज की खरीफ ऋतु में उगाई जाने वाली प्रजाति कौन सी है? तो खरीफ ऋतु में उगाई जाने वाली प्रजाति हमारी हो जाएगी एग्री फाउंड डार्क रेड हो जाएगी, क्या हो जाएगा? एग्री फाउंड डार्क रेड हो जाएगा। उसके बाद निफाद तिरपन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? निफाद तिरपन। ये सब काफी फेमस वैरायटी है, क्या? काफी फेमस वैरायटी। अब आता पूसा रेड, हाँ ये भी वैरायटी महत्वपूर्ण है, क्या? पूसा रेड। इस प्रजाति में फूल आने, यानी फूल आने में बोल्टिंग की समस्या कम पाई जाती है, क्या? बोल्टिंग। अभी आप सबको बताएंगे बोल्टिंग होता क्या है, ये भी क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण। जैसे बोल्टिंग हो गया, ब्लांचिंग, ब्लांचिंग, ब्लांचिंग तो आप सबको पता है, फूल गोभी में होता है, लेकिन तो बोल्टिंग काफी बार पूछा गया। तो पूसा रेड प्याज की वैरायटी है प्रजाति, इन प्रजाति में फूल आने में बोल्टिंग की समस्या कम पाई जाती है। जब अगर फूल आने, फूल आने में जो क्या होता है, इसमें फूल आता है तो उसमें बोल्टिंग की समस्या, फलाने में बोल्टिंग की समस्या कम पाई जाती है। बोल्टिंग मतलब आप सब समझते होंगे कि पुष्प डंठल की निकलने की क्रिया को क्या कहा जाता है? बोल्टिंग कहा जाता है, क्या कहा जाता है? बोल्टिंग कहा जाता है। तो पूसा रत्नाकर, निफाद तिरपन, ये भी वैरायटी प्याज की है, या यंत्र पर एग्री फाउंड डार्क रेड, पटना रेड, नासिक रेड, अर्का निकेतन, ये सब प्याज की काफी फेमस वैरायटी है। खरीफ ऋतु में प्याज की उगाई जाने वाली मुख्य प्रजातियां एग्री फाउंड डार्क रेड हो जाएगा, क्या? एग्री फाउंड डार्क रेड और निफाद तिरपन, ये दोनों वैरायटी जो मुख्य रूप से खरीफ ऋतु में उगाई जाती है। किसमें? वैसे सीजन में तो उगाई जाती है, लेकिन तो स्पेशली अगर पूछ लेगा कि प्याज की खरीफ ऋतु में उगाई जाने वाली प्रजाति कौन सी है, तो प्याज की खरीफ ऋतु में उगाई जाने वाली प्रजाति एग्री फाउंड डार्क रेड हो जाएगा और निफाद तिरपन हो जाएगा। अगर पूछ लेता प्याज की कौन सी प्रजाति जिसमें बोल्टिंग की समस्या कम पाई जाती है, या पुष्प डंठल निकलने की समस्या कम पाई जाती है, तो पूसा रेड हो जाएगा। कौन सी वैरायटी है प्रजाति? पूसा रेड। अब आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद अगर पूछ लेता कि जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे, अगर क्वेश्चन पूछ लेता है कि जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर, तो ये भी क्वेश्चन ध्यान रखना कि अगर पूछ लेता कि जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव थे, ऋषभदेव। तो ये भी क्वेश्चन ध्यान रखना, कभी बात ऋषभ, हां ऋषभदेव।
अभी हमने आप सबको बता दिया 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। कौन से थे? महावीर स्वामी थे। लेकिन जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर अगर पूछ लेगा तो जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन हो जाएंगे? हमारे ऋषभदेव हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? ऋषभदेव। उसका अगला क्वेश्चन अगर पूछ लेता है कि भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ क्या अगर पूछ लेता है? भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ पूछ लेगा तो भारत का जो सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ होता है कौन सा होता है? वेद होता है। कौन सा? वेद होता है। यह क्वेश्चन ध्यान रखना। पूछा जा सकता है कि भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा हो जाएगा? तो भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ क्या माना जाता है? वेद, ना कि ऋग्वेद। यह क्वेश्चन ध्यान रखना। इसी में आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ अगर पूछेगा तो वेद। अगर इस तरह पूछ लेता है कि भारत का सबसे प्राचीन वेद, भारत का सबसे प्राचीन वेद, तो भारत का सबसे प्राचीन वेद अगर पूछ लेगा तो कौन सा हो जाएगा? ऋग्वेद। कौन सा? ऋग्वेद। तो ये क्वेश्चन आप यहां पर ध्यान रखना कि भारत का सबसे प्राचीन वेद, तो भारत का सबसे प्राचीन जो वेद हो जाएगा वो ऋग्वेद हो जाएगा। कौन सा? ऋग्वेद। भारत का सबसे प्राचीन अगर धर्म ग्रंथ पूछेगा तो वो हमारा कौन सा हो जाएगा? वेद हो जाएगा। कितना हो जाएगा? क्या हो जाएगा? वेद हो जाएगा। अब हम आगे देखते हैं प्याज के बारे में। अब देखो सोइंग टाइम या बुआई का समय क्या हो जाएगा? सोइंग टाइम या बुआई का समय। तो अगर पूछ लेता प्याज के मैदानी क्षेत्रों, प्लेन एरिया, प्लेन एरिया मतलब मैदानी क्षेत्रों में, तो मैदानी क्षेत्रों में प्याज की बुआई काटी जाती है यानी अंतिम अक्टूबर से मध्य नवंबर, लास्ट अक्टूबर से मध्य नवंबर तक। तो यह भी क्वेश्चन ध्यान अगर पूछ लेता है कि प्याज में सोइंग टाइम या बुआई का समय क्या हो जाएगा? सोइंग टाइम या बुआई का समय। तो प्लेन एरिया में मैदानी क्षेत्रों में प्याज की बुआई का जो उपयुक्त समय माना जाता है तो लास्ट अक्टूबर से मध्य नवंबर तक। कब माना जाता है? लास्ट अक्टूबर से मध्य नवंबर। तो यह भी क्वेश्चन ध्यान रखना कि प्याज के मैदानी क्षेत्रों में बुआई यानी नर्सरी डाला जाता है, क्या इसकी नर्सरी डाली जाती है। उसके बाद खरीफ ऋतु में अगर पूछ लेता तो खरीफ ऋतु में इसकी बुआई कब की जाती है? जून में की जाती है। किस मंथ में की जाती है? जून में की जाती है। और हिल एरिया मतलब पहाड़ी क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में, तो पहाड़ी क्षेत्रों में जो प्याज की बुआई कब की जाती है? तो फरवरी से मार्च में या अक्टूबर में भी की जाती है। तो फरवरी से मार्च सबसे मुख्य समय माना जाएगा। तो प्याज की बुआई का समय मैदानी क्षेत्रों में अंतिम अक्टूबर से मध्य नवंबर तक, 15 नवंबर तक। खरीफ ऋतु में अगर पूछ लेता प्याज की बुआई कब की जाती है? तो जून में की जाती है। पहाड़ी क्षेत्रों में अगर जून में, तो महावीर स्वामी के जो बचपन, स्वामी के बचपन का नाम, तो महावीर स्वामी के जो बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। क्या था? वर्धमान। तो ये भी क्वेश्चन यहां पर नोट कर लेना। अगर पूछ लेता है कि महावीर स्वामी के बचपन का क्या नाम था तो वर्धमान था। क्या था? वर्धमान। ये भी क्वेश्चन हमने आप सबको पहला क्वेश्चन बता दिया कि महावीर जैन धर्म के संस्थापक, तो जैन धर्म के संस्थापक के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव होते हैं। उसके बाद जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर तो महावीर स्वामी थे। कौन से थे? महावीर स्वामी थे। भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा होता? तो वेद होता। कौन सा होता? वेद होता। भारत का सबसे प्राचीन वेद कौन सा होता? तो ऋग्वेद हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऋग्वेद हो जाएगा। उसमें महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान था। क्या था? वर्धमान। अब तो वहां यह क्वेश्चन यहां पर प्याज में पूछा गया, सीड्रेट या बीजदर कई बार पूछा गया। क्या? सीड्रेट या बीजदर। तो प्याज की जो सीड्रेट, अगर हम प्याज की नर्सरी डालते हैं, क्या कहते हैं? अगर हम प्याज की नर्सरी डालते हैं तो प्याज की नर्सरी के लिए जो बीजदर होता है ये 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। कितना होता है? 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता। तो ये भी ध्यान रखना कि अगर पूछ लेता कि प्याज की नर्सरी के लिए बीजदर कितना होना चाहिए तो प्याज की नर्सरी के लिए बीजदर 8 से 10 किलोग्राम। अगर मूली का बीजदर पूछ लेगा, क्या मूली जिसे बोला जाता है राइडस, तो उसके भी बीजदर कितनी होती है? 8 से 10 किलोग्राम होती है। कितना होता है? 8 से 10 किलोग्राम होता। तो ये भी क्वेश्चन ध्यान रखना। अगर पूछ लेता कि मूली की बीजदर, तो मूली की बीजदर हो जाएगी 8 से 10 किलोग्राम। तो प्याज की अगर नर्सरी के लिए बीजदर पूछेगा तो 8 से 10 किलोग्राम। अगर वहां पर पूछ लेता सीधे बुआई के लिए, सीधे बुआई मतलब ये होता है कि प्याज के बीज को हम डायरेक्ट ऐसे खेत में छिड़काव से बुआई कर देते हैं। किस छिड़काव से? तो बुआई कर देते हैं। तो प्याज के छिड़काव से अगर बुआई करते हैं तो सीधे बुआई के लिए वही होता है। तो सीधे बुआई के लिए बीजदर 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। कितना हो जाएगा? 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। तो प्याज के सीधे बुआई के लिए बीजदर 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अगर हम मान लेते प्याज की बल्ब की रोपाई करते हैं, क्या होता है? देखा होगा प्याज के लोग ले जाते बल्ब होता है, जब प्याज होता थोड़ा जम जाता है तो उसको ले जाके एक नाली बना के, क्या ऐसे नाली बना देंगे, नाली बना, इसके बाद इसमें प्याज को ऐसे रोपाई कर देते हैं। तो ये प्याज जल्दी तैयार हो जाता है। क्या? जल्दी तैयार हो जाता है। और जानते हो बरसात सब में लगा दिया तो पकौड़ी खाने अच्छा समय है, क्योंकि बरसात में लोग अगर खाली बैठे रहते तो सोचते भैया कुछ बना के खाया जाए। अच्छा अच्छा अब शहर तो है ना कि भैया यहाँ पर जानते हो शहर में तो हर चीज चलता है, मैगी माइक्रोवेव पास्ता बहुत सारे हैं, ठीक है, चाउमीन है। अब गाँव वाले भैया सोचते हैं चलो हम अपना कुछ भी पकौड़ी बना के खाए, अब क्योंकि लौकी हो जाता है उसकी पकौड़ी, आलू का जो भी प्याज बच गया, तो बाकी सभी लोग गाँव से बिलोंग करते होंगे, कुछ स्टूडेंट अगर शहर होंगे तो भाई चलो उसकी बात अलग है। तो सीधा का बेचता बता रहे, तो ये बल्ब द्वारा अगर हम रोपाई कर देते हैं तो ले जाकर हम प्याज जो छोटी छोटी प्याज होते हैं उनको डायरेक्ट हम ले जाकर प्लांटिंग कर देते हैं। क्या? प्लांटिंग कर देते हैं। तो वो प्याज जल्दी ग्रो कर जाते हैं क्योंकि उसमें अंकुरण पहले से हुआ हो रहा था, अंकुरण पहले से हुआ रहा था, तो जल्दी से अगर वो बस आपके या कभी भी लगा देंगे तो जल्दी से वो ग्रो कर जाता है।
तो अगर यही हमारा सेंटर पूछ लेता है कि प्याज की वृद्धि तो 8 से 10 किलोग्राम, या नर्सरी के लिए पीछे पूछ लेता तो भी 8 से 10 किलोग्राम, सीधे बुआई के लिए ब्रॉडकास्टिंग मेथड मतलब छिड़काव से या सीधे तो 20 से 25 किलोग्राम, अगर बल्ब में से प्याज की रोपाई, बल्ब में से प्याज की वृद्धि कितने लगेगी तो 10 से 12 क्विंटल रहेगा भैया, इधर 10 से 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर रहेगा, किलोग्राम रहेगा 10 से 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हो जाए। तो ये ध्यान रखना प्याज की अगर बल्ब के लिए वृद्धि तो 10 से 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होता है। अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्याज की 1 हेक्टेयर की रोपाई के लिए कितने वर्ग मीटर में हम नर्सरी डालते हैं। अगर प्याज की 1 हेक्टेयर की रोपाई करना है तो 500 वर्ग मीटर में इसकी नर्सरी डाली जाती है, कितने 500 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर में, कितने 500 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर में। तो ये ध्यान रखना अगर पूछ लेता कि प्याज की 1 हेक्टेयर की रोपाई के लिए कितने वर्ग मीटर में नर्सरी डालते हैं या कितने मीटर स्क्वायर में, तो 500 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर में इसकी नर्सरी डाली जाती है। उसके बाद आ जाता है सीड ट्रीटमेंट या बीज उपचार। तो सीड ट्रीटमेंट या बीज उपचार में आपको पता ही है, हमने कई बार बताया सीड ट्रीटमेंट या बीज उपचार के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो टाटा ने थायराम 2.5 ग्राम दवा पर के जिससे की 10 ग्राम सेट ट्रीटमेंट में बीज उपचार करते हैं। और किसके लिए किया जाता है, बीमारियों से बचाने के लिए, अटका होना सिया या सॉइल बॉर्न डिजीज होता है या सीड बॉर्न डिजीज होता है या आने वाले समय में कोई बीमारी लगती है तो उन सभी की रोकथाम के लिए हम क्या करते हैं, सेट ट्रीटमेंट में बीज उपचार किया जाता है। अब अगर कुछ आगे क्वेश्चन कई बार रिपीटेड में पूछा गया है, तो यह क्वेश्चन कई बार रिपीटेड में पूछा गया है, तो प्याज में भंडारण के समय अंकुरण रोकने के लिए हम प्रयोग करते हैं। देखिए होगा कि कुछ लोग प्याज ले आते हैं बाजार से, अगर मार्केट से खरीद के लाते हैं तो उसमें अंकुरण आते हैं क्या, जर्मिनेशन आते हैं। अब अंकुरण अगर आते हैं तो प्याज की समझ लीजिए क्वालिटी धीरे धीरे खराब होने लगते हैं, क्योंकि किसी भी वो खाने में उतना अच्छा नहीं रहेगा, तो वो रहेगा केवल उसको ले जाते हैं रोपाई करते हैं। या आप सब देखे होंगे कि घर में अगर हम प्याज रखें, क्या घर में अगर हम प्याज रखे हैं तो उसको ले जाते हैं हम क्या कर देते हैं, अरे घर में अगर प्याज रखे तो देते हैं अंकुरण होने लगता है, क्या जर्मिनेशन होने लगता है। अब जर्मिनेशन होने लगा तो लोग कहते हैं प्याज खराब हो जाए, इसको ले जाकर चलो खेत में रोपाई कर दिया जाए। तो उसी को हम रोकने के लिए अगर प्याज को स्टोरेज कराए तो अंकुरण हम किसके इसके रोकने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, एमएच रखी जाती है। तो आपको इतना ध्यान रखना कि प्याज में भंडारण के समय अंकुरण रोकने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, प्याज में भंडारण के समय अंकुरण रोकने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, मैलिक हाइड्राजाइड का। किसका प्रयोग किया जाता है, मैलिक हाइड्राजाइड का प्रयोग किया जाता है शॉर्टकट में जिसे बोला जाता है एमएच कहा जाता है, क्या कहा जाता है। तो पहला क्वेश्चन हमने बताया कि प्याज के 1 हेक्टेयर की रोपाई के लिए कितने वर्ग मीटर में नर्सरी, 500 वर्ग मीटर में। सेकंड या बीज उपचार के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो कैप्टन या थायराम नामक दवा का 2.5 ग्राम प्रति केजी सीड की 10 से प्रयोग करते हैं। प्याज में भंडारण के समय अंकुरण रोकने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो एमएच मैलिक हाइड्राजाइड का प्रयोग किया जाता है, 2500 पीपीएम की 10 से इसका प्रयोग किया जाता है। अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो कितने दिन बाद रोपाई करने योग्य हो जाएगी, तो कितने दिन बाद 40 से 45 दिन बाद, या कभी कभी दे देता 40 से 42 दिन दे देता, 40 से 45 दिन या 40 से 42 दिन, और कितने सप्ताह, 6 से 7 सप्ताह के। अगर सप्ताह में पूछ लेगा तो 6 से 7 सप्ताह हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 से 7 सप्ताह। अगर दिन में पूछ लेगा तो 40 से 42 दिन या 40 से 45 दिन भी हो सकता है। तो अगर नर्सरी जैसे डाल दिए, नर्सरी डालने के कितने दिन बाद यह रोपाई करने योग्य हो जाता है, तो नर्सरी डालने के कम से कम 40 से 42 दिन बाद यह रोपाई योग्य हो जाता है। अगर सप्ताह में पूछेगा तो 6 से 7 सप्ताह में यह रोपाई योग्य हो जाता है, कितने सप्ताह में, 6 से 7 सप्ताह में यह रोपाई करने योग्य हो जाता है। उसका अगला क्वेश्चन आ जाता है कि प्याज में पीले रंग का कारण, येलो कलर इज ड्यू टू, प्याज में पीले रंग का कारण क्या होता है, क्यूरोसिटी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्यूरोसिटी हो जाएगा। प्याज देखोगे कुछ प्याज होते येलो कलर के होते, क्या होते येलो कलर के होते, तो प्याज में जो पीला रंग होता क्यूरोसिटीन के कारण होता, किसके कारण होता, क्यूरोसिटीन के कारण होता। प्याज में लाल रंग, तो प्याज में लाल रंग किसके कारण होता है, एंथ्रोसाइनिन के कारण होता, किसके कारण होता है, एंथ्रोसाइनिन के कारण होता। तो पहला क्वेश्चन हमने बताया कि प्याज के बीज की बुआई के कितने दिन बाद यह रोपाई हो जाती है, तो प्याज के बीज की बुआई के कितने दिन बाद इसकी नर्सरी जो होती है रोपाई हो जाती है, तो 40 से 42 से 40 से 45 दिन या 6 से 7 सप्ताह हो जाएगा। प्याज में पीले रंग का कारण क्या होता है, तो क्यूरोसिटीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्यूरोसिटीन हो जाएगा। प्याज में लाल रंग का कारण क्या होता है, तो एंथ्रोसाइनिन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एंथ्रोसाइनिन हो जाएगा। ये हमारा हो गया। अब आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर पूछ लेता कि महावीर स्वामी के पिता का, जिसके दो क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी के पिता का क्या नाम था, तो महावीर स्वामी के पिता का क्या नाम था इसको देख लेते हैं। महावीर स्वामी के पिता का नाम अगर पूछ लेता कि महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था, तो महावीर स्वामी के पिता का क्या नाम था, सिद्धार्थ।
क्या था सिद्धा, ये ध्यान रखना। अगर माता का नाम पूछ लेगा कि महावीर स्वामी के माता का क्या नाम था, तो महावीर स्वामी के माता का क्या नाम था, तो त्रिशला था। क्या था? त्रिशला। तो ये दो क्वेश्चन हो गया। महावीर स्वामी के बचपन का नाम हमने आपको बताया था वर्धमान था। क्या था? वर्धमान था। महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या हो जाएगा? सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ। ये क्वेश्चन आप ध्यान रखना कि महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था। उसका माता का नाम हमने आपको बताया, तो माता का क्या नाम था? त्रिशला था। क्या था? त्रिशला। ये सब क्वेश्चन लगभग बाय चांस कभी पूछे जा सकते हैं, और जीएस के 20 क्वेश्चन इसलिए हम आपको थोड़ा फोकस कर रहे हैं। तो महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम क्या था? त्रिशला। अब हम आगे देखते हैं, तो प्याज किसका अच्छा स्रोत है, या प्याज में कौन से विटामिन अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो प्याज विटामिन बी का अच्छा स्रोत माना जाता है। किसका माना जाता है? प्याज विटामिन बी का अच्छा स्रोत माना जाता है। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना। अब माइनर फर्टिलाइजर खाद एवं उर्वरक, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि मूंगफली की खली में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा, एनपीके, मूंगफली की अगर खली पूछ लेता है तो उसमें एनपीके की अगर मात्रा पूछ लेगा, एनपीके कई बार पूछा गया, एनपीके, तो मूंगफली की खली में अगर एनपीके की मात्रा पूछ लेगा तो ध्यान रखना 73, 15, 13। अगर आपको याद हो नहीं होता, कंफ्यूजन आ जाता है, कंफ्यूजन आता है, तो इससे आप याद रखना। आपको एक ट्रिक बता देते हैं, 73, 15, 13, और सभी के दशमलव लगाते चलना, 7.3, 1.5, 1.3, इससे याद रखना। पहले एक बार पूरा याद रखना कि मूंगफली की खली में एनपीके की मात्रा, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की मात्रा। अब आपको याद हो गया 73, 15, 13 याद हो गया, क्योंकि 73, 15, 13 याद हो गया। तो आप इसको ऐसे बीच में दशमलव लगा देना, तो मूंगफली की खली में नाइट्रोजन 7.3, फास्फोरस 1.5 और पोटाश की मात्रा 1.3 होती है, कितनी होती है? 1.3। तो इससे याद रखना कि मूंगफली की खली में एनपीके की मात्रा 73, 15, 13, बाकी दशमलव लगा देना, तो ये क्लियर हो जाएगा। अब आप याद करते हो 7.3, 1.5, 1.3, तो ये थोड़ा कंफ्यूजन होता है, मतलब याद होने थोड़ा कठिनाई होती है। अगर ऐसे याद रखोगे 73, 15, 13 तो आसानी से याद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आसानी से। देखो भाई, इसको याद कर लेना, मोबाइल नंबर अगर किसी का मिल जाए तो तुरंत याद हो जाएगा। एक बार कोई रास्ते में चलते हुए बता देगा तो भैया चलो इसको दिमाग में तुरंत, ये सब चीज है अट्रैक्टिव, यानी अट्रैक्टिव चीजें ये सब होती है, एक बार कोई बता देगा तो तुरंत। लेकिन अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो जल्दी नहीं याद होगा, मुझे पता है। तो थोड़ा यहाँ पर क्वेश्चन ध्यान रखना, मोबाइल नंबर नहीं बता रहे, ठीक है? हम मोबाइल नंबर वाले जानते हो कि 10 अंक के होते हैं, और ये लोकल स्टूडियो वाला भी नहीं है। तो इससे ध्यान रखना कि मूंगफली की खली में एनपीके, एनपीके को 73, 15 और 13 से याद रखना, दशमलव सभी में लगा देना, तो सब क्लियर हो जाएगा। तो प्याज किसका अच्छा स्रोत माना जाता? विटामिन बी का अच्छा स्रोत। किसका माना जाता? विटामिन बी का अच्छा स्रोत माना जाता। माइनर फर्टिलाइजर खाद एवं उर्वरक हो जाएगा, तो यह फॉर्म है, मतलब गोबर की खाद, ऐसे बोला जाता फार्मयार्ड माइनर कहा जाता। क्या कहा जाता? फार्मयार्ड माइनर या गोबर की खाद। तो यह फॉर्म में गोबर की खाद 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होता है। कितना होता है? 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होता है। एनपीके की मात्रा नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश, तो 100-150 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो जाएगा। तो इससे ध्यान रखना कि अगर एनपीके की मात्रा माइनर फर्टिलाइजर पूछ लेता खाद एवं उर्वरक, तो माइनर फर्टिलाइजर खाद एवं उर्वरक में हो जाएगा, यानी यह फॉर्म क्या, यह फॉर्म हो जाएगा, कितना हो जाएगा 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। अगर एनपीके पूछ लेगा, क्या एनपीके अगर पूछ लेता है तो एनपीके हमारा कितना हो जाएगा, एनपीके अगर पूछ लेगा तो 150-100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो जाएगा। कितना? 150-100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप सब सोच रहे हो सर आप बहुत धीरे पढ़ा रहे हो, भैया थोड़ा तबियत खराब इसलिए बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं बस ये समझ लो। और तुम पढ़ो अच्छे से, पढ़ते जाओ भैया। अब जब ऐसे टीचर की वजह रात में 3 बजे तक पढ़ाए, अगर तबियत अच्छा खासा सही कोई प्रॉब्लम नहीं है तो 3 बजे या 2 बजे जितने बजे भी क्लास लग जाती है कोई दिक्कत नहीं, पढ़ा देते हैं, बस एक लगन है पढ़ाने की, ठीक है? ये हम सबका यही रहता कि अगर तिवारी एग्रीकल्चर अकेडमी है तो समझ ले हम सब यही उद्देश्य लेके चलते हैं कि जितने भी स्टूडेंट है सभी स्टूडेंट को ज्यादा से ज्यादा शिक्षा प्राप्त हो। भैया पढ़ा इतना कम फीस में अगर देखोगे आप, 2000 फीस सर ने लिया है, क्या 2000? अब 2000 अगर देखा जाए तो सर्वर चार्ज भी नहीं निकलेगा, कितना सर्वर चार्ज भी नहीं निकलेगा तिवारी कोचिंग का, क्योंकि यहाँ पर इतनी फैकल्टी है, सब कुछ पूरा नेटवर्क, मतलब पूरा सेटअप लगाया जाए तो जानते हो आप सब चीज लगता है, और प्लस लाइट टीचर सबको देना, तो जानते हो आप कितना हो जाएगा। कब से क्लास चला ये भी आप सबको पता है कि लगभग 2-3 महीने लगभग हो गए आप सबको कंटिन्यू क्लास चलाया जा रहा। तो आप सभी लोग भैया आप सबके लिए पढ़ाया जा रहा, अगर आप सब अच्छा रिजल्ट नहीं दोगे तो थोड़ा अच्छा नहीं होगा कि मतलब इन तरह हम सब लोग कम फीस में पढ़ाए हैं, आप सब रिजल्ट भी अच्छा नहीं दे पाए तो थोड़ा मतलब सही नहीं लगता। तो आप सब लोग पूरा सपोर्ट करिए, बाकी तिवारी एग्रीकल्चर अकेडमी का हर टीचर तैयार अच्छे तरीके से पढ़ाने के लिए। आप सबको समझ में भी आ रहा होगा सभी टीचर का कि लोग कैसा पढ़ा रहे हैं। अन्य कोचिंग वाले क्या होते हैं, बस केवल पैसा लेके बैठ गए, हम सभी चाहे होते कि पैसा लेके बहुत लोग बैठ सकते थे, लेकिन तो सभी टीचर लगे हैं अच्छे से पढ़ा रहे हैं। तो प्याज की जो प्याज में मुख्यता कुल कितने सिंचाई की जाती है, तो प्याज में जो मुख्य रूप से कुल कितने सिंचाई की जाती है, 8 से 10 सिंचाई की जाती है। कितने? 8 से 10 सिंचाई की जाती है। अगर किसी को भैया नमकीन खाना होगा तो आ जाना। बाय वाले सर जो देखो नमकीन और चाय दोनों लाए हैं, कहने मौसम इसलिए इस समय ठंडा हो गया ना, बारिश का सीजन हो गया है, तो इसीलिए चाय नमकीन दोनों लेके आए। तो प्याज में मुख्यता को कितने सिंचाई की आवश्यकता होती है, तो मुख्यता को कितने सिंचाई की आवश्यकता होती है, 8 से 10 सिंचाई की आवश्यकता। अगर देखा जाता है तो कुल टोटल कितनी सिंचाई लगभग करनी चाहिए, तो 8 से। प्याज के लिए उपयुक्त तापमान कितना होना चाहिए प्याज की खेती के लिए, तो 18 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। कितना? ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर ओनियन कल्टीवेशन, तो उपयुक्त तापमान कितना होना चाहिए, 18 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड।
बता रहे थे कि प्याज की खेती के लिए उपयुक्त तापमान कितना होना चाहिए, तो 18 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 18 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है कि प्याज की फसल का मुख्य खरपतवार कौन सा होता है, यानी भीड़ कौन सा इसमें मुख्य फसल, इसकी फसल का मुख्य खरपतवार कौन सा होता है, तो बथुआ प्याजी और मोथा हो जाएगा। क्या हो जाए? बथुआ प्याजी और मोथा। तो यह ध्यान रखना, अगर पूछ लेता कि प्याज की फसल का मुख्य खरपतवार कौन सा, भीड़ माना जाता है, तो यह हमारा कौन सा हो जाएगा, बथुआ हो जाएगा, प्याजी हो जाएगा और मोथा हो जाएगा। बथुआ का चिनोपोडियम एल्बम हो जाएगा, मोथा का क्या हो जाएगा, साइप्रस रोटंडस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइप्रस रोटंडस। इसके कंट्रोल के लिए टोकी 25 6 लीटर प्रति 1000 लीटर पानी की दर से घोल बना के छिड़काव किया जाता है। तो पहला क्वेश्चन हमने बताया प्याज में कुल कितने सिंचाई की आवश्यकता होती है, 8 से 10 सिंचाई की आवश्यकता होती है। प्याज की खेती के लिए उपयुक्त तापमान 18 से 20, खरपतवार के नियंत्रण के लिए प्याज बथुआ किसका प्रयोग करते हैं, इसके कंट्रोल के लिए टोकी 25 6 लीटर प्रति 1000 लीटर पानी की दर से घोल बना के छिड़काव किया जाता है। देखो सर ने नमकीन खिलाया तो कुछ बात होगा, सर को नमकीन होकर दिया होगा तो सर लेके आए हैं। सर कहता है नमकीन बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए सर जब चलते तो लोग नमकीन अपने पास रखते हैं। अब जाता कि प्याज की फसल का मुख्य कीट कौन सा होता है, इंसेक्ट भी कई बार पूछा गया है। तो प्याज की फसल का जो मुख्य कीट माना जाता है मैगेट और थ्रिप्स, थ्रिप्स और तंबाकू की सुड़ी, तीन यहाँ पर है, मैगेट है, थ्रिप्स और तंबाकू की सुड़ी। तो ये आप यहाँ पर जरूर ध्यान रखना कि अगर पूछ लेता है कि प्याज की फसल का मुख्य कीट कौन सा, तो प्याज की फसल का जो मुख्य कीट होता है ये हमारा जो मैगेट हो जाएगा, थ्रिप्स हो जाएगा और तंबाकू की सुड़ी हो जाएगी। क्या हो जाएगा? मैगेट, थ्रिप्स और तंबाकू की सुड़ी। उसके बाद प्याज होता है लॉन्ग डे प्लांट, कैसा लॉन्ग डे प्लांट, तो ये भी ध्यान रखना प्याज कैसी फसल है, लॉन्ग डे प्लांट या शॉर्ट डे। तो प्याज हमारी कैसी फसल है, लॉन्ग डे प्लांट है। तो प्याज की फसल का मुख्य कीट मैगेट या थ्रिप्स या तंबाकू की सुड़ी हो जाएगी। क्या हो जाएगा? मैगेट हो जाएगा, थ्रिप्स या तंबाकू की सुड़ी। ये कैसी फसल है, तो लॉन्ग डे प्लांट। अब क्यूरिंग, यहाँ क्यूरिंग कर लेना, क्या क्यूरिंग, तो क्यूरिंग क्या होता है, प्याज में सुखाने की क्रिया को ही क्यूरिंग कहा जाता है। क्या? प्याज रिमूवल ऑफ मॉइस्चर, मतलब नमी को निकालने की क्रिया को, या प्याज को सुखाने की क्रिया को क्यूरिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्यूरिंग कहा जाता है। तो प्याज को सुखाया जाता है, आप सबको पता होगा कि प्याज की फसल की कटाई के बाद क्या होता है, प्याज की फसल की खुदाई के बाद उसको हम लाके बाहर के घर में रखते हैं, उसके बाद उसको सुखाया जाता है। क्या होता है? उसकी नमी को कम किया जाता है, रिमूव किया जाता है। तो उसी को क्या बोला जाता है? क्यूरिंग। अगर आप प्याज को वैसे रख देंगे तो कुछ दिन बाद प्याज में सड़न पैदा होने लगती है। क्या? क्योंकि वो प्याज मैच्योर नहीं होता, यानी परिपक्व नहीं होता, और जब परिपक्व नहीं होगा तो प्याज क्या सड़ने लगती है, आगे चल के एक आध महीने में प्याज सड़ने लगती है। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना, अगर पूछ लेता कि क्यूरिंग की क्रिया किसमें की जाती है, तो प्याज में की जाती है। किसमें की जाती है? प्याज में की जाती है। अगर पूछ लेता है कि प्याज को सुखाने की क्रिया को क्या कहा जाता है, तो प्याज को सुखाने की क्रिया को क्या कहा जाता है, क्यूरिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्यूरिंग कहा जाता है। पहला हमने बताया कि प्याज की फसल का मुख्य कीट मैगेट, थ्रिप्स और तंबाकू की सुड़ी हो जाएगा। क्या मैगेट हो जाएगा, थ्रिप्स हो जाएगा, तंबाकू की सुड़ी। प्याज जो है वो लॉन्ग डे प्लांट है, कैसी फसल, लॉन्ग डे प्लांट। प्याज में क्यूरिंग की क्रिया किसमें की जाती है, प्याज में की जाती है। क्या होता है? प्याज को सुखाने की क्रिया को क्यूरिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्याज को सुखाने की क्रिया को क्यूरिंग कहा जाता है। अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इतना डिजीजिया रोग क्या हो जाएगा, डिजीजिया रोग। पहला तो पर्पल ब्लॉच, या जिसे बोला जाता है बैगनी धब्बा। क्या हो जाए? पर्पल ब्लॉच। तो पर्पल ब्लॉच जिसे बोला जाता है बैगनी धब्बा, यहाँ प्याज में फफूंद द्वारा होता है। किसके द्वारा? कवक द्वारा होता है। किसके द्वारा? कवक द्वारा होता है। तो ये भी ध्यान रखना, अगर पूछ लेता बैगनी धब्बा या पर्पल ब्लॉच बीमारी किसमें होता, प्याज में होता, किसके द्वारा? कवक द्वारा। उसके बाद आता है मृद रोग में आशिता, जिसे बोला जाता है डाउनी मिल्ड्यू। क्या बोला जाता है? डाउनी मिल्ड्यू। क्या बोला जाता है? डाउनी मिल्ड्यू। अब डाउनी मिल्ड्यू बीमारी ये भी किसमें होता है, तो प्याज में होता है। किसमें? जिसे बोला जाता है मृद रोग में आशिता। तो ये भी किसके द्वारा होता है? फफूंद या कवक द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? फफूंद या कवक द्वारा। कंट्रोल किसके द्वारा करते हैं? तो सेक ट्रीटमेंट। इसके रोकथाम के लिए हम क्या करते हैं? बीज उपचार किया जाता है। क्या किया जाता है? बीज उपचार। तो हमने आप सबको इंसेक्ट कीट आपको जरूर ध्यान रखना, थ्रिप्स मैगेट और तंबाकू की सुड़ी, जो प्याज की फसल का मुख्य कीट माना जाता है। बीमारी में बैगनी धब्बा, पर्पल ब्लॉच। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जीवाणु मृत्यु धारण करते हैं। कंट्रोल के लिए सीड ट्रीटमेंट क्या होता है, या मेथियो ब्रोमाइड। क्या हो जाए? मेथिल ब्रोमाइड, सॉरी मेथिल ब्रोमाइड 1 लीटर प्रति 1000 लीटर पानी की दर से घोल बना के छिड़काव किया जाता है। तो पहला क्वेश्चन हमने बताया जीवाणु मृत विघटन जीवाणु द्वारा होता है, किस समय लगता है, स्टोरेज के समय। नेक्रोट यह भी किस में लगता है, प्याज में लगता है, जो ब्रोटाइटिस नामक फफूंद या कवक द्वारा होता है। कंट्रोल के लिए सीड ट्रीटमेंट या मेथिल ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है, 1 लीटर प्रति 1000 लीटर पानी की दर से घोल बना के छिड़काव किया जाता है। अब यह क्वेश्चन देखिए, बोल्टिंग कई बार पूछा गया, बोल्टिंग काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और लगभग पेपर में कई बार पूछा गया। अब बोल्टिंग क्या होता है, प्याज में पुष्प डंठल के निकलने की क्रिया को बोल्टिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्याज में देखे होंगे जब हम प्याज की रोपाई कर देते हैं, क्या कर देते हैं? रोपाई कर देते हैं। तो अगर प्याज की रोपाई कर दी है तो 1 सप्ताह या 15-20 दिन बाद उसमें डंठल निकलने लगेगा, और डंठल निकलने के बाद उसमें फूल ऐसे बनने लगता है। क्या? फूल ऐसे बनने लगता है। तो अगर इसमें
वही क्या होता, बोल्टिंग होता, क्या होता बोल्टिंग। तो हमें यह ध्यान रखना है कि पहला क्वेश्चन कि बोल्टिंग की क्रिया किसमें होती, तो प्याज में होती, किसमें होती, प्याज में होती। अब बोल्टिंग होता क्या, प्याज में पुष्प डंठल निकलने की क्रिया को, पुष्प डंठल, पुष्प डंठल को निकलने की क्रिया को। इतना आप ध्यान रखना कि प्याज में पुष्प डंठल निकलने की क्रिया को बोल्टिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बोल्टिंग। अब ये बोल्टिंग होता क्यों, आप सबको बता देते हैं। पहला पॉइंट ये ध्यान रखना कि उपयुक्त तापक्रम न मिलने पर, उपयुक्त तापमान, तापमान न मिलने पर, ये ध्यान रखना, उपयुक्त तापमान न मिलने पर या टेम्परेचर या ताप में तीव्रता से कम या ज्यादा होना, मतलब क्या होता है, इंक्रीज कभी कम होगा या ज्यादा होना, तापमान का घटना या बढ़ना, अचानक तापमान का कम हो या ज्यादा होगा, ये भी ध्यान रखना। अचानक तापमान में वृद्धि या कमी, अगर अचानक तापमान कम या ज्यादा होता है या अचानक बढ़ने लगता है या कम होने, तो इसके कारण होता है। उसके बाद खराब बीज होने के कारण, या बीज की गुणवत्ता या बीज खराब होने के कारण, या खराब गुणवत्ता की बीज होने के कारण, खराब गुणवत्ता की बीज जो होते खराब गुणवत्ता होने वाली। उसके बाद कमजोर भूमि के कारण, किसके कारण, कमजोर भूमि के कारण। अगर भूमि हमारी क्या होती, वीक होती, काफी कमजोर होता, तो ये सभी के कारण क्या होता है, इसमें बोल्टिंग हो सकता है। क्या होता है, बोल्टिंग हो सकता है। तो प्याज में टेम्परेचर कम या अधिक होने पर यह ध्यान रखना, या उपयुक्त तापक्रम न मिलने पर, क्या होता है, उपयुक्त तापमान न मिलने पर। उसके बाद अचानक टेम्परेचर का कम या ज्यादा होना, उसके बाद खराब क्वालिटी का बीज होना, या भूमि कमजोर होने के कारण, क्या होता है, भूमि खराब क्वालिटी यानी पुअर सॉइल होने के कारण, किसके कारण, पुअर सॉइल होने के कारण। तो इन सभी के कारण प्याज में बोल्टिंग हो सकती है। क्या होती है, अगर पूछ लेता कि प्याज में बोल्टिंग होने का कारण क्या होता है, तो ये सभी आप याद रखना, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। बोल्टिंग होता क्या है, या किसमें की जाती, प्याज में क्या होता है, प्याज में पुष्प डंठल निकलने की क्रिया को बोल्टिंग कहा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है कि प्याज के बीज उत्पादन के लिए प्याज के कंद की बुआई कब करते हैं। अगर हमें सीड प्रोडक्शन लेना, क्या, अगर हमें डायरेक्ट सीड प्रोडक्शन लेना है, तो इसके हम कंद की बुआई कब करते हैं, या बल्ब जिसे बोला जाता है, क्या बोला जाता है, बल्ब भी बोला जाता है। तो इसके बल्ब की जो बुआई कब की जाती है, तो इसके बल्ब की जो हम बुआई करते हैं, फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर, अक्टूबर के पहले प्रथम सप्ताह में की जाती है। अगर हमें प्याज से सीड प्रोडक्शन लेना, क्या, बीज लेना है, तो आप सब देखोगे प्याज में फूल भी आते हैं, क्या होते हैं, फूल ऐसे सफेद कलर के आते हैं। तो प्याज में क्या होता है, उससे हमें बीज प्राप्त होता है, क्या, सीड प्राप्त होता है। तो प्याज के बीज उत्पादन के लिए प्याज के बल्ब की बुआई हम कब करते हैं, तो प्याज के बल्ब की बुआई अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में करते हैं। प्याज कैसी फसल है, क्रॉस पोलिनेटेड या पर परागित फसल है। कैसी है, क्रॉस पोलिनेटेड या पर परागित फसल है। प्याज में यील्ड या उपज कितना होता है, तो 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होता है। कितना होता है, 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होता है। तो ये ध्यान रखना प्याज में बोल्टिंग क्या होता है, हमने आप सबको बता दिया। प्याज में पीला रंग क्यूरोसिटी, लाल रंग एंथ्रोसाइनिन के कारण होता है। प्याज की फसल का मुख्य कीट कौन सा होता है, थ्रिप्स और मैगट और तंबाकू की सुंडी मानी जाती है। प्याज की बीटर यानी प्याज के सीड रेट अगर नर्सरी के लिए 8 से 10 किलोग्राम, अगर हमें डायरेक्ट बुआई करना है तो 20 से 25 किलोग्राम, बल्ब की अगर बुआई करते हैं तो 10 से 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से प्याज का प्रयोग करते हैं। अब देखिए इसमें लास्ट हमने आप सबको इल्ड, अगर नॉर्मल रूप से अगर इल्ड पूछ लेता कि हमने बताया कि 200 से 250 क्विंटल, अगर हरी प्याज क्या होता है, अगर हरी प्याज की अगर हमें देखना उपज कितना प्राप्त होता है, तो 60 से 70 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होता है। क्या, 60 से 70 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, जैसे लोग गांव में सागा बोलते हैं या हरी प्याज को लाके जो सब्जी बनाई जाते हैं। अगर उस पर्पज से हम ग्रो करते हैं प्याज को, तो उसमें हरी प्याज की जो उपज होता है 60 से 70 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होता है। अब आ जाता है स्टोरेज या भंडारण, क्या जाता है, स्टोरेज या भंडारण। तो भंडारण के समय प्याज में तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यह भी ध्यान रखना प्याज में भंडारण के समय तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड, अपेक्षित आर्द्रता या रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी होनी चाहिए,
85 से 80% होना चाहिए। कितना? 85 से 80%। आइसोलेशन डिस्टेंस, पृथक्करण दूरी कितनी रखी जाती है? 400 मीटर रखी जाती है। आइसोलेशन डिस्टेंस क्यों की जाती है? सीड प्रोडक्शन के लिए, बीज उत्पादन के लिए। अगर प्याज में पूछ लेता सीड या बीज की उपज कितनी होती है, तो 3 से 4 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होता है। कितना होता है? 3 से 4 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होता है। यानी अगर सीड की बात की जाए, क्या बीज अगर हमें लेना है तो बीज कितना प्राप्त होगा? 3 से 4। देखो प्याज अगर समान रूप से पूछ लेगा तो 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त होगा। हरी प्याज पूछ लेगा तो 60 से 70 क्विंटल। भंडारण अगर करते हैं तो उसमें क्या टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अपेक्षित आर्द्रता कितनी होनी चाहिए? 75 से 80%। आइसोलेशन डिस्टेंस 400 मीटर। सीड या बीज उपज कितना होना चाहिए? तो 3 से 4 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। यह हमारा था प्याज की कल्टीवेशन, क्या प्याज की खेती। इससे 1-2 क्वेश्चन जरूर पूछे जा सकते हैं। इसके बाद हमारे जो 4-5 क्रॉप ज्यादा से ज्यादा बचे होंगे तो लगभग नेक्स्ट वीक में हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हॉर्टिकल्चर के थे उसको सॉल्व करा देंगे। जो लगभग दो, अगर समय मिलेगा तो जितना समय मिलेगा सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सभी सॉल्व करा देंगे। तो आपका समझ लीजिए कहीं से कोई क्वेश्चन छूटने नहीं था यार, बस आप सब केवल अच्छे से तैयार करते चलिए, याद करते चलिए एक एक क्वेश्चन। तो इसके बाद आप सबकी जो क्लास होगी बायो की क्लास होगी, तो 2-4-5 मिनट में आप सब पानी वानी पी के तैयार हो जाइए। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।